सलाम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिबा खान एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ किस गर्मियों की छुट्टियां हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, एक चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ बात आ जाती है टूरिज्म की। एंड जब बात आती है टूरिज्म की तो एक ऐसी आई थिंक एक इतना एक कनेक्शन है, एक अपनाइयत होती है किसी भी जगह से। और आप जब किसी को भी मिलते हो ना एक सर्टन मुल्क से जो बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस, खाना पीना, रहन सहन सब के बारे में एक आइडिया होता है। एंड अबीरा, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इवन सिमिलरली यू नो व्हेन वी स्पीक ऑफ टूरिज्म जो पाकिस्तान में, तो हमारे यहाँ भी एडवेंचर टूरिज्म की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए, रिलीजियस टूरिज्म, आई थिंक द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। लेकिन सिर्फ आई थिंक अभी भी एक जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो ये कि हम पोर्ट्रेयल पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इस तरीके से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एक जो इमेज है ना, सर्टन परसेप्शन जो बनाया हुआ है वो चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की, टूरिज्म की, तो उसमें मैगजीन्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और वहाँ पर कुछ ऐसे इंटरनेशनल मैगजीन्स होना जो पाकिस्तान की एक बेहतरीन इमेज प्रेजेंट करने के साथ ही साथ बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज के बारे में भी आपको पहले से ही बता दें कि कौन सा स्पॉट किस तरह का है, वहाँ पे कैसे होटल्स हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कैसे बुकिंग्स हो सकती हैं, वहाँ पे कौन कौन सी एडवेंचर या डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज हैं आप उनको कैसे कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो तो एक बेहतरीन चेरी ऑन टॉप वाला सीन हो जाता है। एक वो जो फैसिलिटी स्पेशली जो बाहर से आ रहा होता है पाकिस्तान को विजिट करना चाहता है, एंड आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग ऑफ कि पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, जो फॉरेनर्स हैं उनके सामने एक जो इमेज है उनको वो चीज अट्रैक्ट करना, ऐसे सर्टेन इमेजेस हों जहाँ पे आपका खाना है उसके बारे में पता चले आपको, आपके कल्चर के बारे में, आपकी लैंग्वेज है जो आप मैगजीन को देखें और कोई इंस्पायर हो जाए टू विजिट पाकिस्तान, आई थिंक दैट्स समथिंग कमेंडेबल। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम ऐसे ही एक मैगजीन की बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है इनकी टीम कैपरा फाल्कनरी ट्रैवलर मैगजीन जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में अवेलेबल है, दैट इज़ अ यूके बेस्ड मैगजीन। और इसके बारे में ये मैगजीन क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह से पाकिस्तानी टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, ये जानेंगे आज हम अपने दोनों गेस्ट से। यस एब्सोल्युटली, एंड वी हैव अ पावर कपल हियर जो कि सिर्फ कहती हूँ पाकिस्तान के एक इमेज बिल्डिंग, उसके पोर्ट्रेयल और उसकी एक पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी नाइस फ्रॉम देयर साइड। और अगर मैं बात करूँ तो अपने फर्स्ट गेस्ट की, शी इज़ एन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एंड शी इज़ इनटू क्रिएटिव राइटिंग। और अगर बात की जाए जैसा अभी अबीरा ने कहा, कैपरा फाल्कनरी ट्रैवलर जो मैगजीन है, शी इज़ बेसिकली द एडिटर, क्रिएटिव डायरेक्टर एंड द विजनरी फाउंडर। आई एम स्पीकिंग ऑफ अनम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और अगर मैं अनम के ही हस्बैंड और हमारे सेकंड गेस्ट की बात करूं तो हमारे साथ अफजाल हुसैन मौजूद हैं, हु इज अ डायनामिक मार्केटिंग एक्सपर्ट शेपिंग द स्पोर्ट्स एंड मीडिया इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और उसके साथ ही साथ अगर सीएफटी मैगजीन की बात की जाए तो वो उसकी मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू गो। लेकिन सबसे पहले अनम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्लीज टेल अस अबाउट दिस मैगजीन, कि ये मैगजीन क्या है, इसका जो नाम है ये बहुत डिफिकल्ट है, सीएफटी, प्लीज टेल us about it. So as the founder of Capra Falconry Traveler, which is a print magazine that's dedicated to celebrating the travel and culture and the vibrancy of Pakistan. So my aim was to obviously showcase the luxury side of Pakistan, reveal the authentic culture and explore the local community stories. Jo iska naam hai Capra Falconry, it takes its name from the scientific classification of the rare and majestic creature that roams the rugged mountains of Pakistan, the national animal of Pakistan, which is the marhor. That's the background story. Aur jis tarah marhor hame pata hai ki it was at the brink of extinction, and through conservation projects you know we saw an increase in the number, and usi tarah Pakistan's tourism I think is also reemerging with lots of entrepreneurs stepping in, creating all these new beautiful hotels with sustainable architecture. So just like that, we thought it was a great combination, and both the wildlife creature and Pakistan's tourism have amazing histories and stories to tell.
very rightly said. I mean, there is a revival in the industry. और हम tourism की जब बात करते हैं तो अब बहुत ज़्यादा foreigners हैं जो कि backpackers हैं, north की side पे जा रहे होते हैं, even south की side को जो है travel कर रहे होते हैं. And speaking of Mr. Afzal, जब हम बात करते हैं कि आप जिस तरीके से इसको market कर रहे हैं, and just before the show started, आप बताए थे कि there is also a British जो आपकी सिर्फ magazine को उन्होंने देखा है, visuals को देखा है, पढ़ा है पाकिस्तान के बारे में, and she was so inspired कि उन्होंने टिकट बुक की है और उन्होंने पाकिस्तान को विजिट करने का कहते हैं ना एकदम से एक इरादा किया है. सो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री, हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है. प्लीज़ इसके बारे में और बताएं. बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने जेनिफर शी वॉज फ्रॉम UK एंड उन्होंने जब इसको पढ़ा और इसकी ऑथेंटिसिटी की बात जो हम पहले भी शो से कर रहे थे कि एनी थिंग विच इज़ इन प्रिंट ओवरसीज़ हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में प्रिंट का वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है, डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया. मतलब ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा हो गया कि वो शायद होना भी नहीं चाहिए. बहुत ज़्यादा टाइम हम दे रहे हैं, कंजम्पशन अपनी टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पे कर रहे हैं. तो जो हम ओवरसीज़ की बात जब करते हैं तो इस प्रिंट की ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो जेनिफर ने जब इसको पढ़ा, इसको देखा, एंड देन शी रोट अस एन ईमेल कि आई एम ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान आफ्टर रीडिंग दिस मैगज़ीन. और ये हमारे लिए मोटिवेशन भी थी और आई थिंक जो अनम का विजन था कि जिसको लेके वो चली, इनके लिए भी एक सेकंड एडिशन के लिए और आने वाले सालों के लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए फर्स्ट मोटिवेशन थी. उसके बाद फिर ऑन एंड ऑन काफ़ी ज़्यादा और रिकग्निशन भी मिली और काफ़ी और लोग साथ जुड़े भी, उसमें फॉरेनर्स भी थे, पाकिस्तानीज भी थे जो बाहर से और जो है वो पाकिस्तान में रह के हमें सपोर्ट कर रहे थे. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जब कोई और पाकिस्तान को इंडोर्स करे. अगर मैं कहूँगा कि मेरा घर बहुत अच्छा है तो वो तो एक शायद मैं बायस्ड भी हूँ, लेकिन अगर कोई और उसकी तारीफ करेगा तो वो एक अच्छी चीज़ लगती है मेरे ख्याल में. सो दिस इज समथिंग दैट हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ भी जा रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू हैव दोज इन्फ्लुएंसर्स जिनकी से है इंटरनेशनली, ताकि उनकी तरफ देख के लोग इंस्पायर हों. एंड पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं, हमारे पास हर तरह का मौसम है, हम स्पोर्ट्स में जो है वो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं, हम टूरिज्म की बात करें, एडवेंचर टूरिज्म की, हमारे पास ऐसी ऐसी स्पॉट्स हैं. अब जो मैगज़ीन की अगर आप देखेंगे इसकी जो इमेज है, विजुअल आप इसके जो टाइटल इमेज है वो आई थिंक इट्स इन स्कर्दू, सिमिलर टाइप ऑफ लोकेशन है नॉर्वे में, और वहाँ पे क्यूज लगी होती हैं लोगों की पिक्चर्स लेने के लिए. ठीक है, तो दिस इज समथिंग वी नीड टू मार्केट मोर ऑफन. और आई एम ग्लैड कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो चांस दिया आज हम आए. और मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान में जो डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है वो आई थिंक डिस्कवर पाकिस्तान. और आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ रेज किया है कि जहाँ पे इंटरनेशनली वही एक सिमिलर टूरिस्ट स्पॉट है, वो लोग जब इतना ज़्यादा उससे कमा सकते हैं तो हम भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हम भी उस तरीके से ऐसी जगहों को मार्केट कर सकते हैं. बिल्कुल, डेफिनेटली. और टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी वाइड है और पाकिस्तान में तो इसके भी ब्लूम करने का इतना स्कोप है और आगे बढ़ता जा रहा है ये. और जब कोई इंटरनेशनली इतने बेहतरीन तरीके से उसको प्रमोट कर रहा हो तो क्यों नहीं दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क को देखने भी लोग आएंगे. और अनम, व्हेन वी टॉक अबाउट योर मैगजीन, तो ये एशियन लाइफस्टाइल को तो कवर कर ही रहा है, लेकिन आप जैसे बता रही थी कि इसकी जो पिक्चर्स हैं वो आप लोग खुद से क्लिक करते हैं, कोई कॉपीराइट्स नहीं होते, दैट्स वेरी ऑथेंटिक. जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है उसका एक पूरा चेक एंड बैलेंस होता है. सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़, और आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो इस मैगजीन को आगे लेकर चल रहे हैं एज इट्स द फर्स्ट इशू, इसके बाद आगे भी आप मजीद लेकर आएंगे एडिशंस, तो उस बारे में बताएं. जी बिल्कुल. आई जस्ट वॉन्ट टू गो इन टू द बैक स्टोरी बिफोर आई एक्सप्लेन. तो जस्ट बिफोर दैट मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद पाकिस्तान बचपन से. मतलब एवरी स्कूल समर हॉलीडेज हमेशा पेरेंट्स यूज्ड टू ब्रिंग मी टू पाकिस्तान, एंड ओवर द ईयर्स आई बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स एंड एक्सपीरियंसेस. मतलब ट्रैवल अराउंड करते थे, फैमिली को विजिट करते थे. तो इट्स थैंक्स टू माई पेरेंट्स हु हैव इंस्टिल्ड that deep love and connection and appreciation for the homeland and for the roots. So from the very beginning, they nurtured a sense of belonging in me and respect and pride for the cultural heritage. Whether it was through their stories, but lots of stories I have been inspired by my father. Matlab wo jab kisi time Narang ka gaan gaye the when it was nothing like how it was before. So I had all these ideas.
And it was things that they made me realize and open my eyes towards the beauty and richness of Pakistan. And then just want to go to the backstory. Okay, as I am a journalist, I work with Al Jazeera and other publications. So, मुझे कोई reference या source book चाहिए थी पाकिस्तान के travel पे. तो मैंने believe करें Birmingham में where I'm based, सारी libraries check की, सारे bookstores check किए. I couldn't find anything जो पाकिस्तान के up to date कोई version हो. Traveling के traveling पे भी generally भी. Okay. Traveling पे तो बिल्कुल ही नहीं कुछ भी up to date था. Maybe from back in the 90s एक आधी कहीं पड़ी होगी. तो एक बुकस्टोर में मैं गई तो ट्रैवल सेक्शन में सारा चेक कर रही थी. When I came to the P section मैं कहीं somewhere पाकिस्तान होगा या मेरी आईज ब्लरी हो रही मुझे नहीं नजर आ रहा. Because हर UN recognized country छोटी बड़ी सब थे. तो मैंने सेल्स लेडी से पूछा मैंने कहा कि do you have anything available on Pakistan? And she said to me if it's not on our shelves then it doesn't exist. मतलब वो मेरी आइडेंटिटी की नॉन एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रही थी. तो उस दिन आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ मैंने उस शेल्फ की पिक्चर ली. And I thought to myself, okay, one day I will put Pakistan on that shelf. Wow. So today it stocks there. It and you stocks, created this yeah. magazine, wow. Yeah, it stocks at a magazine store and bookstores. Going back to the photographs that you were saying, again, kuch to khud collect ki hui hai, baki jo interviews liye hain, isme jo participants hain jinhone contribute kiya hai, kuch writers ne, kuch unhone provide kiye hain, kuch jo matlab hotels ke saath collaboration kiya hai, kuch artworks unhone diya hai, lekin putting the whole thing together, matlab jisme edit editing aati hai aur planning, researching, proofreading, that's tough work. It took us around about 2-3 months to put this together. फिर उसके बाद आपको पिक्चर्स भी एडिट करनी पड़ती फॉर द प्रिंट क्वालिटी फॉर द ब्राइटनेस क्योंकि जिस तरह की फोन पे या डीएसएलआर पे होती है जब आप प्रिंट करो इट्स कंप्लीटली पिक्सेलेटेड या बिल्कुल सो यू रियली नीड टू लुक इन टू दैट पे कॉपीराइट्स आ जाते हैं प्लैजरिज्म ना हो किसी और का कोई इमेज नहीं आप लगा सकते इट्स लाइक अ होल प्रोसेस एंड इट टुक यू लाइक हाउ मेनी इयर्स bring this together the research was just edition. over 1 year the research theek hai phir isko actually main produce karna about 2 months Oh wow. And I think that's because of your team and Amazing. yourself yes. ki aapka jab ek vision bilkul clear hota hai na to har kaam aasan ho jata hai aur yes. jahan par hum itni tourism ki baatein kar rahe hain to kyun na Hiba hum viewers ko koi pyari jagah dikha dein aur wo bhi hum north ki baat karte hain jahan pe SEO jo hai ek major role play kar raha hai jahan pe TV services aa jati hain internet smart TV facility हैं ओवरऑल एक जो कवरेज है बहुत ज़्यादा इंटरनेट की वहाँ पे उधर SEO मेजर रोल प्ले करता है और रीजनल डेवलपमेंट की बात की जाए जहाँ पे सर्विसेज हैं कस्टमर्स के लिए प्रोजेक्ट्स हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स की बात की जाए आपकी अर्निंग की बात की जाए इंक्यूबेशन सेंटर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उसमें भी स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रोल प्ले करता है बिल्कुल ऐसे ही है और जहाँ पर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहीं की एक खूबसूरत जगह रकापोशी के हवाले से हकीमा खान की स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं बाय द वे दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय SEO अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ हकीमा आप लोग देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान तो नाजरीन हम नगर में मौजूद हैं इस वक्त हम नगर थल में मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोकल डिशेस बन रहे हैं तो यहाँ के जो सबसे फेमस लोकल डिश है वो छप शुरू है यकीनन आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा और खाया भी होगा जो कि यहाँ के बहुत ही मशहूर लोकल डिश समझा जाता है जो कि बहुत ही प्योर और खालिस है यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के ओनर हमारे साथ मौजूद है आइए हम इनसे जानते हैं कि वो इसको किस तरह से बनाते हैं और ये किस तरह सेहत के लिए मुफीद है ये जो है बड़ा गोश्त का कीमा अंदर डालते हैं और 14 मसाले मिक्स करके प्याज वगैरह शामिल करके उसको बनाते हैं जी नाजीन बिल्कुल छप शुरू यहाँ की बहुत ही फेमस डिश है जब तक लोग छप शुरू ना खाए तो यकीनन वो इस जगह की यहाँ की फूड को एंजॉय नहीं करते हैं तो जितने भी लोग बाहर से आते हैं जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ ये डिश जरूर टेस्ट करते हैं और जरूर खा के जाते हैं और इसकी एक और मजे की बात यह है कि ये मुनासिब कीमत में हर किसी को दस्तियाब है यानी कि कोई भी बंदा इसको खा सकते हैं जो भी जिस लेवल के भी लोग आते हैं वो यहाँ से छप शुरू जरूर खा के जाते हैं तो आप लोग भी आई यहाँ से छप शुरू जब आप गिलगित बल्तिस्तान आते हैं तो छप शुरू जरूर खा के जाइएगा
हमारे पास हमारे साथ यहाँ पे कुछ सियाह मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा छप फिरोख खान। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? मैं इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद से आए हुए, आपने छप फिरोख टेस्ट किया यहाँ पे? ये अभी कुछ देर पहले मैंने टेस्ट किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इसके बारे में बहुत तारीफ सुनी थी तो अभी खाया तो बहुत मजा आया। अच्छा, मजा आया आपको? क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मैं यही कहूँगा कि जो जब भी आपका यहाँ से गुजर हो तो इस चीज को ट्राई करें, बहुत अच्छी चीज है। अमेजिंग, इतने मजे का था वो जो एक मुझे टर्म बार बार हकीमा खाने की यूज कर रही थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहली दफा मैंने भी ये चीज सीखी है कि वहाँ पे उनका जो ट्रेडिशनल एक वो ब्रेड मेकिंग पूरा एक प्रोसेस दिखाई थी, दैट वाज रियली नाइस। हाँ बिल्कुल, और इस तरह की टूरिस्ट स्पॉट्स पर जितनी भूख लगती है ना, एटलीस्ट मैं तो कहीं पे भी सैर करने जाऊँ मुझे तो बहुत भूख लगती है, हमें यहीं में बैठे बैठे भूख लगने लग जाती है विजुअल्स देख के, क्योंकि विजुअल्स जो है दे आर वेरी पावरफुल। और अभी वही अनम से हम बात कर रहे थे, अनम वाज टेलिंग दैट विद इन यू नो आफ्टर लाइक within like a month time ye log bhi visit kar rahe hain gb ki side. So anand, jab aap jaate ho wahan pe, it's just you and afzal, both of you are going to travel, to wahan pe ab aap pictures logi, it's just like do log hain, full teamwork kar rahe hain, lekin phir jab editing ki baat aa jati hai wo bhi bahut ek important factor hota hai kisi bhi magazine ki publishing ke liye, to aap kis tarike se sare members jo hain team ke contribute kar rahe hote hain magazine ki taraf? हाँ जी, हम इस मंथ के एंड में जा रहे हैं स्कर्डू, सो वी होप टू वर्क विद सम होटल्स एंड कुछ तो आर्ट वर्क प्रोवाइड हो जाता है एंड द रेस्ट तो खुद फोटोग्राफ करना पड़ता है। एंड व्हेन इट कम्स टू द एडिटिंग, हमारी टीम मेंबर है आयशा फरूक, शी इज़ द एडिटोरियल डायरेक्टर एंड शी इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल राइटर एंड एडिटर इन द यूके। तो व्हाट शी डज इज़ के उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग, अटेंशन आई टू डिटेल, so with that it really breathes life into the ideas and it just transfers them like shiningly on the pages of the magazine. Like she is very keen, wo hota na jo bariki mein jo aap har word padh ke dekhte ho, proofread karte ho, she helps with that detail oriented. Agar wo jis tarah se likhti hai to aapko ek visualize aap kar sakte ho us cheez ko. Bilkul. Okay, really nice. And she's based in UK. Okay, ye sabse mujhe to sabse interesting baat ye lag rahi hai, well, that these girls are UK based basically, और अगर अनम की बात की जाए तो शी हैज़ बीन रेज्ड अब्रॉड और उसके बावजूद शी हैज़ सच अ स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन विद पाकिस्तान और उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना बेहतरीन काम किया है और आगे भी अभी ये करने के लिए बहुत सारे इनके प्लान्स हैं, वो तो हम पूछेंगे इनसे। लेकिन अफजाल, जब हम इस मैगजीन की बात करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंटरनेशनली भी अवेलेबल है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ रहे हैं और इसके थ्रू टूरिज्म की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान के टूरिज्म की तरफ आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह के मैगजीन किस लेवल पर होने चाहिए और इसके अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो पाकिस्तान में होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में टूरिज्म और नेशनल लेवल भी इसी तरह प्रमोट हो? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। प्रिंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में, मैंने अभी स्टार्ट में भी शो में जो मेंशन किया था कि प्रिंट उस तरह से ऑब्सोलीट हो रहा है ओवर द ईयर्स। इफ वी टॉक अबाउट मीडिया, तो रेडियो से स्टार्ट हुए थे, न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर के बाद टीवी आया, टीवी के बाद डिजिटल मीडिया भी द मोस्ट रीसेंट विच इज़ गोइंग टू रिप्लेस अ लॉट ऑफ अदर मीडियम्स, आप वो आने वाले टाइम पे वो नज़र आएगा। तो समहाउ जो एक हमारे जिस तरह पेरेंट हैं या हमारे बड़े हैं वो न्यूज़पेपर के साथ समहाउ कनेक्टेड है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बुक रीडिंग की हैबिट आपके भी अराउंड लोग होंगे वो भी ख़त्म होती जा रही है, वेरी फ्यू पीपल जो बुक्स पढ़ते हैं, आपके पास जो है वो अब लैपटॉप है, डिवाइसेस हैं, पीडीएफ इस तरह से मिल जाती हैं, तो लोगों का पढ़ने का रुझान उधर चला गया है। तो मैगजीन इज़ अ चैलेंजिंग प्रोडक्ट टू लॉन्च इन पाकिस्तान, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप यहाँ पे लॉन्च तो करेंगे बट टू रिकवर दैट कॉस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पॉन्सर्स भी उस तरह से जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। तो इंटरनेशनली इसकी मार्केट है, वहाँ पे हमने काफ़ी स्ट्रगल किया इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप और इस तरह से चीज़ों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये चीज़ है, पढ़ने का एक ट्रेडिशन है, लोग इस चीज़ को जो है वो रिगार्ड करते हैं क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक फॉर्म होती है। मतलब ये यहाँ पे नहीं कि आप कुछ भी प्रिंट कर दें तो वो आपको शेल्फ में मिल जाएगी,
अगर तो कोई चीज़ ऑथेंटिक है और उसके आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं. अभी इसमें जो जो चीज़ हमने मेंशन की है, जस्ट वी मेंशन अबाउट जेनिफर जिसने पाकिस्तान को टूर किया, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू अस कि हम हमारे मैगजीन से ओबियसली पाकिस्तान के मैगजीन से वो इंस्पायर होके पाकिस्तान का ट्रैवल किए. तो नेशनल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में लोगों को सबसे बड़ी जो चीज़ करनी वो चाहिए कि पाकिस्तान के किसी भी एलिमेंट को आप शोकेस कर सकते हैं सम हाउ सम वन वे और दी अदर. आप भी किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ कनेक्टेड होंगे, आई एम श्योर एवरी वन इज, तो आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं. एंड सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास आ जाके चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है पहाड़, समंदर और ये चीज़ें. हमारी जो स्पोर्ट्स है अगर हम बात करें तो इमरान खान की बात करें, बाबर आजम की बात करें, वसीम अक्रम की बात, द वर्ल्ड नोज एंड दे नोज कि ये पाकिस्तानी, दे आर द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स. ठीक है, जान शेर खान थे हमारे स्पोर्ट्समैन थे, इस तरह से बाकी अदर स्पोर्ट्स में लोग, बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने बड़ी जो है वो फतूहत हासिल की हैं, तो लोग उन लोगों की वजह से जानते हैं. क्रिकेट बहुत बड़ा ब्रांड बन गया मेरे ख्याल में. हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, दे नीड टू इन्वेस्ट ऑन दोज पीपल जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें किसी अदर टैलेंट में भी, क्योंकि क्रिकेट तो एक बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ चीज बन गई सक्सेसफुल. तो लोग ऐसे हैं, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट हेड किया था हमारे हीरोज पीएसएल में, उसमें पाकिस्तान से 34 हीरोज हमने सेलेक्ट किए थे और वो हर मैच में आकर रिप्रेजेंट करते. आप यकीन करें ऐसा ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान में जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी कैलीग्राफी पे काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं. तो दीज थिंग्स विच वी नीड टू हाईलाइट टू द वर्ल्ड के पाकिस्तान इज नॉट ऑल अबाउट मौलवी हैं या शलवारें कमीजें फिर रही हैं या सिर्फ लैंडस्केप्स हैं. यस, जस्ट लाइक द बॉलीवुड फिल्म्स, इट्स नॉट लाइक दैट. बिल्कुल राइट पॉइंटेड आउट कि हमें सिर्फ लैंडस्केप, सिर्फ विजुअल, सिर्फ जगहों के नहीं दिखाने चाहिए, लोगों को मेंशन करना, लोगों को वो रिकॉग्निशन देना, एक्नॉलेजमेंट देना. और फॉरेनर्स और दुनिया में एक जो इमेज है ना, दे नीड टू नो दैट पाकिस्तानी इज अ वार्म, दे आर वेलकमिंग. और ऐसे ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो ट्रैवलर्स बैकपैकर्स जिनसे अगर वो कोई खाना ले रहे हैं तो वो आगे से पैसे नहीं लेते, कोई सोवेनियर खरीदते हैं तो उनको आगे से वो कहते हैं नहीं, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अस. ये छोटे-छोटे जेस्चर्स मुझे लगता है ये हमारे अंदर इन बिल्ट हैं. एज पाकिस्तानीज आई थिंक वी आर सच अ नेशन कि हम लोग बहुत ज्यादा गिविंग करते हैं, देते हैं सोसाइटी. और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि वन ऑफ माय फ्रेंड किरित जेम्स सिंह, वो एक गोरा सिख है, ही केम टू पाकिस्तान इन 2019. He was doing research on classical music. उसका जो पाकिस्तान के बारे में perception था, देखें एक होती है perception, एक होता है आपका experience, ठीक है. His perception and his team's perception was कि पाकिस्तान में जो western media दिखाता है कि there is nothing good going on in Pakistan. Right. This is what western media shows. And that is what they believe, ठीक है. He said कि when I came to Pakistan, मैंने उसके साथ 45 days यहाँ पे काम किया उस project पे. और आप यकीन करें वो नेटफ्लिक्स और अमेजोन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था. ही सेड कि मेरा पाकिस्तान के बारे में पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, जो मैंने सुना था वो टोटली ऑपोजिट है. और कहता है कि आई वुड लव टू कम बैक टू पाकिस्तान, अपने मैं पेरेंट्स को भी लेके आऊंगा. हिज मदर वाज पोर्टुगीज, हिज फादर वाज स्कॉटिश, ठीक है. और उसके टीम मेंबर्स कोई ऑस्ट्रेलिया से आया था, कोई एक और उसका टीम मेंबर था वो लंदन से आया था. तो दिस नीड्स टू बी द एक्सपीरियंस हमें जो फॉरेनर्स को देना चाहिए, और ये सबसे बड़ी चीज़ है. When they go back, they will be your brand ambassadors. बिल्कुल, आप सही कह रहे हो. वो पोर्ट्रेयल, सोशल मीडिया का भी यूजेज, अगर आप बहुत ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में भी एक्टिव हैं तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है. क्योंकि अक्सर ये होता है, इवन लाइक व्हेन इट कम्स टू माय फ्रेंड्स हु सी फॉरेन फ्रेंड्स जिनके साथ आप पढ़े हुए होते हो, वो कहते हैं आपके वहाँ ये रेस्टोरेंट्स हैं, आपके यहाँ इंटरनेशनल चेन्स हैं, दिस इज हाउ योर लैंडस्केप इज, ये रोड्स हैं, ये जगह है. तो बिल्कुल हम किसी एलियन या थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कोई गाँव नहीं है हमारा, यू नो मुल्क, देयर सो मच एंड बहुत ज्यादा डेवलपमेंट. बिल्कुल, और जहाँ पर हम अपने मुल्क की इतनी सारी तारीफें कर रहे हैं तो आपको कुछ दिखा भी देते हैं. हमारे शो डी बैकर्स की टीम पहुंच गई है खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत इलाकों में, और वहाँ पर इस वक्त हमारे होस्ट मौजूद हैं. जी मुकर्रम तरीन. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम बूनी और मस्तूद के रास्ते में है, और इसका चप्पा चप्पा ऐसे है की आप थोड़ा सा चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं फिर रुक जाते हैं, क्योंकि दोनों साइडों पे या तो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं या लश ग्रीन जो है ना
वैलीज हैं और दरख्त है और ग्रीनरी है और बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवा है और साथ साथ आपके रिवर भी चल रहा है जिसका शोर है ऐसे उसकी गूंज है उसकी ऐसे जैसे बड़ी हैबतनाक किस्म की, और पूरा रास्ता बहुत ही अमेजिंग है। थोड़ा एडवेंचरस है क्योंकि कम्प्लीटली ऑफ रोड है और रिवर के साथ साथ जाना पड़ता है। आप जब भी यहाँ इस एरिया में आए तो इस एरिया को ज़रूर एक्सप्लोर करें, आप इंजॉय करेंगे और अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज यहाँ से लेके जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू मुगरम तरीन। और दी बाइकर्स की टीम तो इस वक्त केपी को एक्सप्लोर कर रही है और आई थिंक ये आगे जाते जाते पता नहीं अभी इन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर करना है और हम यहाँ पर बैठ करना इनको देखते हैं और कह रहे होते हैं वाओ। लेकिन ये एक बड़ी मजे की चीज है कि जिस तरह मुगरम तरीन बाइक पे उस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, एक वो पैशन नजर आ रहा होता है ट्रैवलिंग का, पाकिस्तान को उस तरीके से दिखाने का। एंड अनम, जहाँ हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक वो जो इमेज है हम ही हैं जो उसका ट्रेल कर सकते हैं, यू नो, इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, तो जब बात आती है आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन की, किस तरीके से आपकी चाहे वो फंडिंग्स हैं चाहे वो स्पॉन्सरशिप्स हैं कोलैबोरेशंस हैं, तो आपको ज़्यादा किस तरीके की सपोर्ट कहाँ से मिलती है? पाकिस्तानी से ज़्यादा मिल रही है या फॉरेनर्स से मिल रही है एट दिस पॉइंट? अनफॉर्चुनेटली फॉरेनर्स से। जब मैंने ये आइडिया स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड टू पिच टू लाइक इन्वेस्टर्स इन टूरिज्म ब्रांड्स इन पाकिस्तान and I didn't really get any positive response. बाद वही आ गई जी कौन पढ़ता है आजकल प्रिंट मैगजीन्स, इट्स ऑल डिजिटल। लेकिन प्रिंट अगेन इट हैज़ द क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस और ये एक कलेक्टिबिलिटी और सुवेनियर के तौर पर भी देखा जाता है मैगजीन। तो देन व्हेन आई वेंट बैक टू द यूके, फिर वहाँ पर कुछ ट्रैवल कंपनीज थी फॉरनर्स की रन बाय वाइट ब्रिटिश, कुछ तो ऑथर्स थे राइटर्स थे एंड सम वर जस्ट जनरली डूइंग ट्रैवल टूर्स। तो उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट करने थे पाकिस्तान के ट्रिप्स, तो उनको मैंने अप्रोच किया कि दिस इज़ द आइडिया एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इफ यू गाइस कैन सपोर्ट, एंड द ईमेल मी बैक इमीडिएटली कि हम वी कैन यू नो कोलैबोरेट, पार्टनरशिप कर सकते हैं, कैन बी अ पेड पार्टनरशिप, तो वी कैन एडवर्टाइज आवर टूर्स दैट वी डू टू पाकिस्तान और इन रिटर्न वी कैन हेल्प यू गेट द प्रिंटिंग डन। तो एक जो ट्रैवल कंपनी थी उनका नाम था लार्ज माइनॉरिटी, तो उन्होंने रिक्शों पर, इट्स कॉल्ड टुक टुक, पूरा उन्होंने ट्रिप किया फ्रॉम इस्लामाबाद टू कुंजराब पास, सो वी वोट अबाउट दैट, इट्स इन द मैगजीन। मतलब उन सारे फॉरेनर्स आए थे, यहां से पता लग रहा है एक शौक, एक कोलैबोरेशन, एक सपोर्ट, एडवेंचर, दिस इज व्हाट दे वांटेड टू डू। एंड देन जो दूसरी कंपनी है वो वाइल्ड फ्रंटियर्स, दैट्स रन बाय जॉनी वेलबी जो कि एक राइटर, ब्रिटिश राइटर और ऑथर है। तो उनकी बड़ी मजे की स्टोरी है कि 1998 में उन्होंने जो फर्स्ट विजिट किया था पाकिस्तान में, he was so inspired by the people of the Kailash, unke sath itni achhi friendship ho gayi that he came back and started his own travel company because of Pakistan, aur ab wo duniya bhar mein trips lekar jate hain, Pakistan to aate hi aate hain, and that's so inspiring to see ke unhone itni deeply Pakistani culture ko seekha hai, hamare food ko, like he knows all these names, to maine unko kaha ki aap five senses mein Pakistan ko describe karein, smell, taste, and it was so beautiful to see ke kis tarah wo cherry blossoms ka describe kar rahe hain, the smell of that and the jasmine jo chitral mein keh rahe hain ek season mein bada hota hai, and I was like amazing, matlab itni deep thinking hai foreigners mein, and unfortunately it's lacking within our own people. आई थिंक इसको यहाँ पे भी प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली ये कोविड में जब रिस्ट्रिक्शंस आई, लोगों का बाहर मुल्क में जाना, कहीं भी बैरून मुल्क जाना बंद हुआ, तब ज़्यादा पाकिस्तानियों ने भी एक्सप्लोर किया कि पाकिस्तान की भी जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो बहुत बेहतरीन है, और हम जो इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी और मुल्क को देखने के लिए, क्यों ना हम अपने ही मुल्क को वही रेवेन्यू दें जो हमारा अपने ही मुल्क। लेकिन अनम की बात में एक बहुत ही मैसेज आउट देयर कि बीइंग पाकिस्तानी एंड स्पेशली अगर आपकी रूट्स यहीं से बिलोंग करती हैं, इवन व्हेन इट कम्स टू हर, यू नो, शी डिडंट फॉरगेट दैट, एंड एट द एंड उन्होंने जो चीज़ कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए ही कर रही हैं, रिप्रेजेंटेशन, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग टू पॉन्डर ओवर। जस्ट ऐड, आपने पहले बात की थी कि आपके फॉरेन फ्रेंड्स तो जो हैं वो हैरान होते हैं कि पाकिस्तान में ये जगहें हैं। इट्स द सेम विद यंग पाकिस्तानीज इन अक्रॉस द वर्ल्ड, लाइक ब्रिटेन की मैं बात करूँ तो यंग ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, उनको पता ही नहीं है अपने रूट्स एंड कल्चर के बारे में, लाइक मेजॉरिटी ऑफ देम, लाइक जब उन्होंने ये मैगजीन देखा वो भी हैरान हुए थे कि ये जगह भी पाकिस्तान में, ये भी है, ये कैसे हो सकता है, वी नेवर हर्ड ऑफ इट। मतलब उन्होंने बस यही सोचा होता है कि पाकिस्तान एक विलेज है, एक मड हट है, और बस इट्स जस्ट एसोसिएटेड विद लाइक टेररिज्म, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड दैट।
तो वो सब बहुत इसकी स्टोरीज सुन के हैरान हुई थी. देर वॉज वन स्टोरी, दो अमेरिकन कपल रैंडमली मुझे एक बाजार में मिले. वो हैगलिंग कर रहे थे बैंगल मार्केट में, उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे थे. सो आई जस्ट जंप्ड इन टू हेल्प. आई वॉज वेरी फैसिनेटेड क्योंकि उनके साथ तीन बच्चे थे, कोई मेरा ख्याल 6 ईयर्स का था, कोई 5 ईयर्स एंड वन वॉज 10. अब यूजली जब कोई फॉरेनर आता है अब उनके साथ बच्चे नहीं देखते, इट्स देम अलोन ट्राइंग टू रिस्क देयर लाइफ. तो आई वॉज लाइक वेयर आर यू गाइस फ्रॉम, एंड दे सेड हम यूएसए से आए हैं. तो द हस्बैंड वाज हियर टू वर्क विद द स्कूल. तो आई वाज लाइक आई वुड लव टू इंटरव्यू यू गाइस फॉर द मैगजीन. तो उन्होंने कहा आप हमारे घर आ जाएं. तो दे इनवाइटेड मी, एंड आप यकीन करें कि उनकी वाइफ ने खुद से मेरे लिए कड़क चाय बनाई, एंड शी वाज सो हैप्पी लाइक कि मैंने खुद से फर्स्ट टाइम बनाई है, आप टेस्ट करो. सो आई डिड द इंटरव्यू. या तो दे वर टेलिंग मी कि हम रोजाना हमारी जो मेड आती है हम उसको कहते हैं तुम जो मर्जी पाकिस्तानी खाना बनाओ बस हमें नाम बता दो. शी वाज सेइंग कि मेरे बच्चों को करेले बड़े पसंद है, दे दाल चावल, एंड द प्रोनाउंसिएशन वाज जस्ट हिलेरियस. तो एंड शी वाज टेलिंग मी कि उनकी जो द यंगेस्ट डॉटर, शी वाज बोर्न इन पाकिस्तान इन लाहौर. सो शी वाज कंपेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग बर्थ इन द यूएस एंड इन पाकिस्तान विद द अदर किड्स. And she said, "Ke Pakistan ka jo experience tha, it can't compare with what I had in the US." Yeah. And we here, we go abroad, taki hum logon ka wahan pe jaake ek us tarah se citizenship ya jo bhi ho. And this is in the magazine. The story is included. Oh, that's so sweet. Itne maze ke wo sun ke aapko na ek ek connection feel ho raha hai ki wo kis tarike se seekhna cha rahe hain about the culture, about the people, you know, about the language here. बिल्कुल. और जितनी अच्छे तरीके से अनम ने हमें बताया है कि इनके magazine में ये सारी stories हैं और आगे भी इतनी सारी अभी इनके प्लान्स हैं जो ये आगे भी डिस्कवर करेंगी और हमारे साथ भी शेयर करेंगी. लेकिन एज वी आर रीचिंग टू एंड ऑफ दिस सेगमेंट, अफजाल, मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई शॉर्ट एंड क्विक एंड नोट देना चाहेंगे. मैं जो शॉर्ट एंड क्विक एंड नोट दूंगा वो ये होगा कि 2017 में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था टूरिज्म की. तो मुझे भी काफ़ी चीज़ों का नहीं पता था कि पाकिस्तान में ये एग्जिस्ट करती हैं. तो मेरा जो मैसेज है वो यही है कि आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे जो भी हैं आप, और अपने आप को जो है वो ऐसे प्रेजेंट करें ताकि जैसे आप हैं ऑनेस्ट हों और पाकिस्तान का बेस्ट प्रेजेंट करें. और डू एक्सप्लोर पाकिस्तान, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानियों को भी नहीं पता कि ये एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में. तो आई थिंक दिस इज़ माई मैसेज टू एवरी वन, बी ऑनेस्ट एंड बी काइंड. और अब जो भी काम करें उसको अच्छे तरीके से करें. मेरे ख्याल में ये अगर हम करेंगे तो हम किसी भी दुनिया की कौम को किसी भी लिहाज से बीट कर सकते हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, बिजनेस हो, technology ho, but we got to be consistent. Definitely, exactly. It's you just have to do it or everything wholeheartedly. And Anam, aapka kya end note hoga for the viewers, just a precise note. Bilkul, just keep supporting your cultural heritage that we have. Itni beautiful places in Pakistan, mein keep them clean, please. And if anybody is willing to read the magazine, it's available on our website on cftpakistan.co.uk. Amazing. Okay, and you guys are doing an amazing job, both of you as a power duo. Aur tourism ko promote karna aur Pakistan ka true image dikhana, that is something which we need and it's the need of the hour. Thank you for being on the show and continue doing the great things you are. Bilkul aise hi hai. Aur hum apne channel Discover Pakistan aur show Salaam Pakistan ki taraf se in dono ko salaam pesh karte hain, jo ki na sirf Pakistan mein balki international level par bhi Pakistan tourism ko promote kar rahe hain. Absolutely. And for now we will take a short break, lekin break ke baad hamare sath new guest maujood honge. Dekhte ये सलाम पाकिस्तान. अब एंजॉय करें पाकिस्तान के हसीन नजारे अपने आईपैड, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आईफोन या किसी भी डिवाइस पर इन अल्ट्रा एचडी क्वालिटी, जब चाहे जहां चाहे डिस्कवर करें पाकिस्तान. ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान. डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान.
अब एंजॉय करें पाकिस्तान के हसीन नजारे अपने आईपैड, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आईफोन या किसी भी डिवाइस पर इन अल्ट्रा एचडी क्वालिटी जब चाहे जहां चाहे डिस्कवर करें पाकिस्तान ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान. डिस्कवर पाकिस्तान सबसे प्यारा पाकिस्तान.
अब एंजॉय करें पाकिस्तान के हसीन नजारे अपने आईपैड, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आईफोन या किसी भी डिवाइस पर इन अल्ट्रा एचडी क्वालिटी जब चाहे जहां चाहे डिस्कवर करें पाकिस्तान ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान. डिस्कवर पाकिस्तान सबसे प्यारा पाकिस्तान.
अब एंजॉय करें पाकिस्तान के हसीन नजारे अपने आईपैड, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आईफोन या किसी भी डिवाइस पर इन अल्ट्रा एचडी क्वालिटी जब चाहे जहां चाहे डिस्कवर करें पाकिस्तान ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान. डिस्कवर पाकिस्तान सबसे प्यारा पाकिस्तान. जानना चाहें क्या होता है तो पैटेंट जिस तरह लोग पेपर्स लिखते हैं मकालात लिखते हैं उस तरह पैटेंट एक चीज होती है जो किसी आपके डिवाइस में किसी मशीन में आप लगाते हैं और उससे पहले किसी ने नहीं किया होता. आप एक चेंज लेके आते हैं और वो नई डिस्कवरी होती है और पैटेंट मिलता ही उस वक्त है जब उस जैसी कोई और चीज मौजूद ना हो. तो 20 अदद ऐसी चीजें समझ लें मैंने बनाई या मेरे साथियों के साथ मैंने मिलकर बनाई जिससे आपकी ये जिंदगी लाइट रोशनी इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी में आसानी हुई. ठीक तो उसमें अब ये भी एक तरह से उतरता है आपके ऊपर कि एक चीज़ है इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है. इसी तरह आपके ख्यालात होते हैं कि आप उन ख्यालात को पेश करना चाहते हैं किसी के सामने किसी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए किसी को कुछ समझाने के लिए वो भी एक तख्लीकी मरहला है. तो एक गज़ल लिख के या एक नज़्म लिख के या एक कहानी लिख के मुझे जो तस्कीन होती है तो वही एक पैटेंट के एक इंजीनियरिंग की जो चीज़ है उसको बना के कोई रिसर्च या प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट करके उसमें और उसको फिर ये बताना कि इससे क्या फायदा हुआ है. तो क्रिएशन दोनों क्रिएशन तो ये हम बांटते हैं उसको खानों में कि ये इंजीनियरिंग है ये अदब है
नहीं, क्रिएशन अगर क्रिएटिव है, और ये आज बहुत ज़रूरी है, जैसे राजी साहब ने फरमाया कि ये बच्चे अभी भी जो है वो उसी राह पे हैं, मोड बदल गया है उसका, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मोड में भी उनको क्या दे रहे हैं, किसे किसे ढल जाएगा, किसे उसमें अगर हम उनको गार्बेज पे लगा देंगे तो वो गार्बेज नजर आएगा, उनको अगर हम उनको आला अदब देंगे, अच्छी चीज देंगे, तो वो उन चीजों को लेके चलेंगे, तो हम लिखने पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है, दोनों एक ही चीज़ है। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। और जब हम बात करते हैं अहमद साहब, आपका ख्यालात को उस तरीके से एक्सप्रेशन, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जब आप लिखते हैं, तो आप एज अ पोएट आपको क्या चीज़ है जो इंस्पायर करती है, या फिर आप होता है ना एक सर्टन टाइम ऑफ द डे, कुछ लोग बहुत लेट नाइट होते हैं वो लिखते हैं, कुछ लोग अपनी नेचर से करीब होते हैं तब वो इंस्पायर होते हैं, या किसी भी आप किसी इंसान को मिलते हैं आप इंस्पायर हो जाते हैं और आप लिखते हैं अच्छा, तो आपको क्या चीज़ करती है? आपने खुद अपने अल्फाज में बता दिया, क्योंकि इंस्पिरेशन के लिए कोई वक्त, कोई मौजू या कोई जगह दरकार नहीं है। आप सफ़र कर रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप लेटे हैं, आप बैठे हैं, आप पार्क में, कहीं से भी इंस्पिरेशन आ सकती है, और वो आपको कोई एक मौजू होता है जो अपनी तरफ खींचता है, और फिर आप कहते हैं कि इस चीज़ को मैं कैसे बयान करूँ। जैसे अब बहुत आसान है इसकी मिसाल, आपका मोबाइल है, आप देखते हैं कोई मंजर नजर आता है, फौरन आप मोबाइल निकालते हैं और उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब हम ये कर सकते हैं, शायर या अदीब जो होता है ना, उस लम्हे को वो अल्फाज में कैप्चर करते हैं, उसका मोबाइल या उसकी चीज जो है वो है, तो वो इंस्पिरेशन बिल्कुल आपने ठीक कहा, किसी वक्त भी कहीं पे भी हो सकती है, ये देखने वाले की नजर है कि उसको नजर क्या आ रहा क्या है। बात है, बहुत ही बेहतरीन बात की है उन्होंने, और जितनी खूबसूरती से उन्होंने बयान किया है कि कोई भी ऐसी चीज एक दूसरे से अलग नहीं है, ये किसी भी वक्त, ये तो एक खुदादाद सलाहियत है जिसको आप कभी भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बयान करने का एक तरीका है ना, उससे समझ आ रही है कि हमारे साथ वाकई वो एक क्रिएटिव सी एक जोन है अभी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जब हम हमीद राजी साहब बात करते हैं तर्जुमे की, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसका तर्जुमा करना अभी भी हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानें, मुख्तलिफ इन्वेंशंस के बारे में जानें, और आपने ख़ुद भी बहुत सारी किताबों के तर्जुमे किए हैं, और मुख्तलिफ ज़ुबानों में, स्पेसिफिकली पंजाबी में, तो आपको क्या लगता है कि पंजाबी ज़ुबान का कितना अहम किरदार है अभी भी हमारे कल्चरल डेवलपमेंट में? देखें, इस वक्त भी जो पंजाबी बोलने वाले हैं वो एक बड़ी वाज़ अक्सरियत लोगों की है, और अगर मैं रफ सा एक फिगर बताऊं तो 12-13 करोड़ जो है लोग वो ये ज़बान बोलते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूं, तो उसका नेचुरली ज़बान का जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है। फिर हमारे पास जो सूफिया का जो सूफी शोरा है उनका जो है हमारे पास भी एक बहुत बड़ा एसेट है, एक सरमाया जो उन्होंने शायरी की है। तो आपने तर्जमे के हवाले से बात की, तो तर्जमे तो मैं समझता हूँ कि जी दुनिया की किसी भी ज़बान से और किसी भी ज़बान में जो है वो तराजम जो है वो उनका होना बहुत ज़रूरी है, एक नए ख्यालात का किसी भी मुल्क का, वहाँ की रहना सहना, वहाँ का कल्चर जो है, फिर यह है कि वहाँ के लोगों की सोच क्या है, वो किस तरह सोचते हैं, और फिर यह है कि जी वो जो है वहाँ जो बुक्स लिखी गई हैं, जो फिक्शन लिखा गया है, वो कैसे लिखा गया है, तो इसमें भी जो जिस मुल्क में उसका तर्जमा होता है तो उसकी एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जो है लर्निंग होती है। तो इस हवाले से मैं 5 किताबों के जो है वो तराजम किए हैं, अच्छा। जिसमें जो है इत्तफाक़ से एक किताब जो है वो नॉन फिक्शन की है, और पंजाबी में तर्जमा नॉन फिक्शन का मैं समझता हूँ कि उर्दू के हवाले से भी बात करें तो काफ़ी एक मुश्किल काम है। तो ये 80s के वो लोग थे जो बड़े पूरी दुनिया में अपनी सोशल चेंजेस के हवाले से जो उन्होंने लिखा, उसमें एल्बर्ट टॉफलर का नाम आता है, स्टीफन हॉकिंग का बड़ा नाम है, उनके कुछ चीज़ें मैंने तर्जमा की, पॉल कैनेडी के कुछ चीज़ें जो है उनका मैंने तर्जमा किया। तो ये किताब मेरी आई थी 2000 में, और इसका नाम मैंने रखा था 21वीं सदी दे बूए, यानी जो एक नई सेंचुरी आ रही है उसके बिल्कुल दहलीज पे जो है। एक तर्जमा फिर मैंने उर्दू में किया था, मिलान कुदेरा हैं, बड़े फिक्शन राइटर हैं, उनके एक नावल का इग्नोरेंस का मुराजत के नाम से किया था। नजीब महफूज के नावल का तर्जमा द डे द लीडर वाज किल्ड, जदू सदर कत्ल होया, ये मैंने पंजाबी में किया था। मारियो वर्गस यूसा हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं,
तो उनके एक नावल का किया था, यूसा के किसी भी नावल का पाकिस्तान की किसी भी जुबान में ये पंजाबी में पहला तर्जुमा है। वाओ क्या बात है। तो इसी तरह ये मैं एक नमूने के तौर पे ले आया हूँ, बाकी जाहिर है सारी तो मैं ला नहीं सकता था। व्यूअर्स को भी दिखाएं तो ये अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरीज का तर्जुमा है जिसमें 14-15 शॉर्ट स्टोरीज हैं और कोई इतने ही मुल्क हैं जिनकी ये शॉर्ट स्टोरीज हैं। क्या बात है। और ये मतलब पूरा एक्सपीरियंस एक बुक में है। जी जी बिल्कुल। क्या बात। और ये किताबों की खूबसूरती ही ये है कि इंसान कभी भी किसी किताब के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में हो तन्हा नहीं रह सकता। और डेफिनेटली जिस तरह से हमीद साहब ने बताया है कि इन तमाम किताबों के तराजम बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी इन्वेंशन, रेवोल्यूशनरी चेंजेस और किसी भी मुल्क की या सोसाइटी की, किसी चाहे बरेसगीर है या दुनिया का कोई भी हिस्सा है, उसकी जो तारीख है उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कंसिडरिंग जो आपकी अपकमिंग जनरेशन है, उनको अपडेटेड रखना, उन लोगों को इस चीज़ से एक लगाव रहे, उन लोगों को पता हो कि ये हमारी हिस्ट्री है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिस्टर अहमद, अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को स्कूल में दिए जाते थे एज अ प्राइज, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो, डिबेट कॉम्पिटिशन हो, आप लोगों को हमेशा एक बुक मिलती थी, एक किताब मिलती थी, और वो भी रैप्ड होती थी, और एक क्यूरियोसिटी होती थी कि कौन सी बुक मिलेगी, राइट? लेकिन अब वो चीज़ें कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो गई हैं, राइट, स्कूल्स में स्पेशली। सो डू यू थिंक कि उस चीज़ की रिवाइवल की ज़रूरत है? मालूम नहीं मेरे दिल की बात आप तक कैसे पहुंच जाती है, मैं इस चीज़ का जिक्र करने वाला था। देखिए ये वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। क्या आपके पास नहीं वो किताबें पड़ी हुई कहीं ना कहीं कि ये मुझे फिफ्थ में मिली थी या सिक्स्थ में? मिनी लाइब्रेरी होती उसकी, उसका जो एक फ़ख्र था उसको रखने का, वो फ़ख्र आपको मजबूर करता था कि आप उसको पढ़ें भी। आज के दौर में मैं ये आपके वसातत से अपने सारे देखने वालों को ये बताऊंगा कि ज़रूर ये करें कि बच्चों को किताबें दें। हम देते हैं, मतलब सालगिरह मनाई जाती हैं, तरह तरह के गिफ्ट देते हैं, वो दें आप। एक छोटी सी किताब भी स्लिप इन कर दें। फिर एक चीज़ और कि शायद हम में से बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है किसी छोटे से रिसाले की सब्सक्रिप्शन जारी कर लेना। अपने फैमिली में देखें या मिलने वालों में देखें, कुछ बच्चे ऐसे हों उनको आप गिफ्ट के तौर पे दें, उनका नाम लिख के जाए उस पैकेट के ऊपर, तो वो उसी तरह से असर करेगा जैसे आपको कहीं कोई नाम मिलता था। तो वो जब उसके नाम पे लिखी हुई किताब आती है, वो पैकेट रसूल करता है, तो उसका जो फख्र है ना कि ये मेरे लिए आया है, वो उसको पढ़ने की भी कोशिश करें। तो ये हम ज़रूर कर सकते हैं। तो सबको ये करना चाहिए कि तहाइफ में एक ना एक छोटी किताब जो है उसले पिन कर दें, वो डाल दें उसके वो एक आदत डल जाएगी ना बचपन से। तो वो चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो फिर से आ जाएगी। सही बात है, दैट्स द ट्रू एसेंस। ये किताब के वाले से जो है ये मेरा बड़ा एक एक्सपीरियंस है। ऐसा हुआ कि मैंने एक अजीब सा मजमून रख लिया एफए में, सर फिलासफी रख ली मैंने। जी जी। तो हम सिर्फ दो ही उसमें लड़के थे, तो इत्तेफाक से मैं टॉप कर गया, जो है दोनों में से मैं टॉप कर गया। आई लाइक आपने जिस तरीके से कहा, इत्तेफाक से मैं कर गया। तो मुझे जो किताबें जो मुझे तोहफा मिला, तो मेरे लिए मैं समझता एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। वो थी सैयद अली अब्बास जलालपुरी की दो किताबें, एक थी रूए असर और दूसरी थी रवायात फलसफा। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक बड़ा एक अहम एक टर्निंग पॉइंट था कि जी अब आपने ये भी पढ़ना है, आपने सफ़रनामे भी पढ़ लिए, आपने ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ ली, लेकिन थोड़ा सा ये फलसफा और ये चीज़ें भी जो है। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग। देखिए इट्स अ फॉन्ड मेमोरी जो कि अभी तक नहीं आपको भूल रही। और मेरा ख्याल है ये सब बच्चों की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा अप्रिसिएशन वाला मोमेंट ज़रूर आता है। और अगर अभी की भी अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं और वहाँ पर अगर मैं देखूँ कि जो टॉप रैंकिंग वाले जो बच्चे हैं, दे हैव दैट हैबिट कि उन्हें पढ़ने की आदत होती है, उन्हें लिखने की आदत होती है। इन दिस डिजिटल एरा स्टिल मुझे खुद आदत है लिखने की, फिजिकली ये चीज़ें जो हैं आपकी इतनी लिंग्विस्टिक्स को बेहतर करती हैं, आपके लिटरेचर को बेहतर करती हैं। डेफिनेटली नो वन इज़ द बेस्ट, जिंदगी पे असर डाल। आई थिंक हर कोई, वही आपने बात की ना, आपने दोनों वे में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कुछ लोग जो है ई बुक ज्यादा पढ़ते हैं, उनको टैबलेट पे पढ़ने का शौक है, उनको सब्सक्रिप्शन दे दें। जिनको फिजिकली एक बुक का एक किताब की जो खुशबू है उसके साथ एक एसोसिएशन है, तो उनको उस तरीके से दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जहाँ पर हम इतनी शायरी की बातें कर रहे हैं, अदब की बात कर रहे हैं, तो अहमद सफ़ी साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे कोई शायरी ना सुने? प्लीज हमें कोई अशआर सुनाएं आप। शायर से ये कहना बहुत खतरनाक बात है। और जब बड़ा रियाज़ में हो अवेलेबल नहीं,
हम जरूर सुनना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी चाहेंगे, क्यूरियोसिटी है। मैं एक हालिया गजल आप सुनाता हूँ, तो इसमें जो पिछला दौर हम पे गुजरा है ये शायरी वही गजल की शायरी, लेकिन आपको असर नजर आएगा जो दौर अभी हम पे एक वबा का गुजरा है उसका एक आपको हल्का सा हल नजर आएगा इसमें। पर तो पहले तो उससे आके मिला एहतियात से, पहले तो उससे आके मिला एहतियात से, फिर खुद को उससे दूर किया एहतियात से, फिर खुद को उससे दूर किया एहतियात से। जाने है किस गली में अजल अपनी घात में, जाने है किस गली में अजल अपनी घात में, घर से कदम निकालें जरा एहतियात। क्या बात है, घर से कदम निकालें जरा एहतियात। मैं जो करीब आया तो बरसों के यार ने, मैं जो करीब आया तो बरसों के यार ने, हौले से पीछे हटके कहा एहतियात से, हौले से पीछे हटके कहा एहतियात से। मारे हुए हैं वो भी बहुत एहतियात के, मारे हुए हैं वो भी बहुत एहतियात के, मिलता रहा हूँ मैं भी सदा एहतियात से, मिलता रहा हूँ मैं भी। रुसवाइयों से उनको कोई काम ही न था, रुसवाइयों से उनको कोई काम ही न था, लेते वो काहे काम भला एहतियात से, लेते। किसका किया था जिक्र सरे अंजुमन अभी, किसका किया था जिक्र सरे अंजुमन अभी, पैगाम किसका आया एहतियात से। मतलब जो चीजें एहतियात से इतनी ब्यूटीफुली ना, एक उन्होंने मैसेज भी दे दिया है, और कोविड का जो है ना एक वो आ गया, हमें कोविड का दौर याद आ गया, लेकिन हमें कोविड का भी आ गया और अभी जो करंटली है वो भी याद आ गया, लेकिन हमारे बड़े मजे की एक गुफ्तगु थी हमारी। लेकिन ये जो सेगमेंट है इट्स कमिंग टुवर्ड्स एन एंड, लेकिन जाने से पहले मिस्टर मीर मैं चाहूंगी आप एक एंड नोट देते हमारे व्यूअर्स के लिए। उसमें यह जी कि अभी जो बात हुई नई नस्ल के हवाले से, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जी पेरेंट्स का भी बड़ा फ़र्ज उसमें आता है कि बच्चों को जो है वो बुक्स की तरफ लाएं और उन्हें ऐसे मौके जो हैं वो फराहम करें और किताबों की सिलेक्शन में जो है वो उसमें उनकी मदद करें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जी वो उससे यकीनन वो लर्न भी करेंगे और उसका असर जो है वो सोसाइटी पे आएगा जो है कि जी एक किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं और किताबें पढ़ने वाले लोग जो हैं, तो मुझे यकीन है कि वो एक डिफरेंट तरह के लोग जो है वो होते हैं, तो उनका वजूद जो है वो उससे मैं समझता हूँ कि एक खैर की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी। बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन आपने बात की है। और अहमद सभी साहब आपका क्या शॉर्ट एंड क्विक एंड नोट होगा हमारे व्यूवर्स के लिए? बस यही है कि बच्चों को किसी तरह से भी जो है इससे दूर ना होने दें, पढ़ने के लिए उन्हें अच्छा मवाद दें और खुद भी पढ़ते रहें, क्योंकि जब बच्चा हमेशा बाई एग्जाम्पल चलता है, अगर आपको शौक़ है पढ़ने का और आप पढ़ता लिखता देखेगा वो भी करेगा, और हमें इस वक्त सिर्फ यही जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात किया आपने, और आप दोनों इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं अदब की दुनिया में कि हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों को सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का आप शो पे आए हैं। एंड बिल्कुल सही बात है कि लिखने और पढ़ने से इंसान हमेशा सीखता है और आगे ही बढ़ता है जिंदगी में। एंड ऑन दैट नोट वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ न्यू गेस्ट हमें ज्वाइन करें, देखते रहिए सलाम पाकिस्तान।
अब एंजॉय करें पाकिस्तान के हसीन नजारे अपने आईपैड, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आईफोन या किसी भी डिवाइस पर इन अल्ट्रा एचडी क्वालिटी जब चाहे जहां चाहे डिस्कवर करें पाकिस्तान ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान. डिस्कवर पाकिस्तान सबसे प्यारा पाकिस्तान. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और जैसा हमने आपको बताया था न्यू गेस्ट जो हमें ज्वाइन करेंगे, वी स्पीक ऑफ एवरीडे लाइफ में अगर हम देखते हैं एक वाइब होती है, एक एनर्जी होती है किसी भी इंसान की और उनकी तरफ से एक आपको एक ऑरा महसूस हो रहा होता है एंड उसकी भी एक बहुत डिटेल इन डेप्थ जो है ना रिलेटेबिलिटी होती है. देयर सो मच टू इट रिगार्डिंग कलर्स, रिगार्डिंग एनर्जी, रिगार्डिंग पर्सनैलिटी. सो वी कैन डिस्कस दैट एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो कैन डिस्कस कि किस तरीके से हमने टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है. बिल्कुल. और जहाँ पर हम टूरिज्म की बात करते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो पाकिस्तान आना चाहते हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ जैसे हिबा ने आपको बताया हम ऑरा हीलिंग के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे. तो आपको मैं अपने पहले गेस्ट से मिलवाती चलूं. हमारे साथ मौजूद हैं इजाज खान जो कि ऑरा हीलर हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू. और उनको हमें ज्वाइन कर रहे हैं को फाउंडर एंड डायरेक्टर फॉर हाइब्रो इंटरनेशनल इमिग्रेशन एंड लीगल कंसल्टेंट शाहिद महमूद. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू बोथ हियर. एंड जस्ट टू बिगिन विद मिस्टर इजाज, जब हम बात करते हैं आप कहीं भी किसी को पहली दफ़ा मिलते हैं उनसे एक एनर्जी आती है, एक वाइब आती है. बट इज़ इट सो कि ऑरा एंड वाइब ये दोनों एक चीज़ें हैं या मुख्तलिफ हैं? देखें, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये ऐसी चीज़ें जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बेस करती है. आप जब किसी को मिलते हैं तो 10-15% आपकी पर्सनालिटी जो नज़र आती है वो उनको फैसिनेट करती है, मगर 80-85% जो आपकी एनर्जी है वो उनको टच करती है, उनके पैनल ग्लैंड सिस्टम को, उनके सबकॉन्शियस को. तो हम जितना जिसका जितना पॉजिटिव हो रहा होगा उतना ही दूसरा बंदा उसको वेलकम करेगा. अगर उन्होंने बड़े अच्छे कपड़े पहने हो, किसी ने बड़ी अच्छी मुस्कुराहट हो, सेल्समैन सेल्सवुमन, और अंदर से उसके अंदर कोई इस्तराब हो, कोई दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो,
तो अगला बंदा कह के हर बंदा दर्द से भागता हर बंदा दुख से भागता तो दे विल रन अवे फ्रॉम यू यस यस इट इज दैट्स द ऑरा एंड दीस थिंग्स ऑरा हीलिंग और ये सारी गुफ्तगू तो हमारी साथ साथ चलेगी लेकिन जहाँ पर हम टूरिज्म की बात करते हैं बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फॉरेनर्स भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं पाकिस्तान देखना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होती कि वो कैसे जाएं तो इसी हवाले से मैं शायद साहब आपसे बात करना चाहूँगी कि आप एज यू आर इमिग्रेशन एंड लीगल कंसल्टेंट एज वेल आप किन कंट्रीज में सपोर्ट करते हैं डिफरेंट फॉरेनर्स को कि वो पाकिस्तान आए और किस तरह से पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को बेहतर इमेज को उनके सामने प्रमोट करते हैं थैंक यू वेरी मच जी हाइब्रो इंटरनेशनल बेसिकली तो पाकिस्तान से फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है फॉरेनर्स को पाकिस्तानियों को फॉरेन जाने के लिए लेकिन समहाउ पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिन्होंने जिनके फ्रेंड्स वहाँ पे हैं या बिजनेस कॉन्टेक्ट्स हैं तो दे कॉल अस एंड दे वांट टू नो हाउ दे कैन गेट द वीज़ा फॉर पाकिस्तान सो उसमें हम मुतल्लिका एम्बेसी को रेफर करते हैं उनकी जो ये जो फॉर्म फिलिंग है और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सरशिप है वी गिव देम द डिटेल्स मोस्टली इसमें मैंने कुछ कंपनीज को देखा है दे आर डूइंग वेरी वेल पिछले दिनों हमारे बहुत अच्छा ताल्लुक है उन्होंने 100 अमेरिकन्स को पाकिस्तान लेके आए देवर अमेरिकन्स और उन्होंने इस्लामाबाद में उनके लिए अकोमोडेशन उसके बाद बाय एयर उनको स्कर्दू लेके गए वहाँ से कॉनवाय के जरिए वो वापस इस्लामाबाद लेके आए तो दैट वाज अ 4-5-7 डेज जर्नी सो वो एक बहुत अच्छा जेस्चर था फॉरनर आए पूरा ट्रिप प्लान हुआ इसी किस्म के कुछ मेरे दोस्त हैं जो कनाडा से अमेरिका से या इंग्लैंड से जो हमारे सिख ब्रादरी है या रिलीजियस टूरिस्ट हैं उनके लिए काम कर रहे हैं दे आर डूइंग वेरी वेल लेकिन जो स्पेसिफिकली आपका क्वेश्चन था एक्चुअली वी नीड टू प्रमोट आर कल्चर आर मीन लैंडस्केप्स और हमारे जो एरियाज हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है थिंक वी आर एक्चुअली फेस वाइल वी टॉक विद आर इंटरनेशनल मीन रिप्रेजेंटेटिव्स या कोलीग्स जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस की वी आर लैकिंग ऑफ दोज फैसिलिटीज मीन टॉयलेट्स आर द मेजर थिंग When you travel, so आपको अच्छा एक वेज तो रोड्स तो हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं ट्रेवल फैसिलिटीज भी ठीक है गाड़ियाँ हर चीज़ अप्रोचेबल है बट द राइट थिंग कि उस पूरे पैसेज में आपको अच्छी लिविंग्स मिल जाए accommodations ठीक मिल जाएं और ये जो basic necessities हैं वो मिल जाएं जी बिल्कुल but now it's progressing we have like tuck shops on the way और उस तरीके से वो जैसे कहते हैं ना sort of like वो ही उन्होंने containers में they have like washrooms and facilities हो गए हैं but you know just before this Mr. Chahid हमारे साथ first segment में in tourism magazine के हवाले से guest थे and you know they have created this magazine जो कि सिर्फ पाकिस्तान की tourism को promote कर रहे हैं which is great अगर हम अभी की बात करें अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू माइग्रेट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू जस्ट लीव द कंट्री लेकिन इस पॉइंट पे हमारे पे भी एक जिम्मेदारी आ जाती है टू एक्चुअली इंस्पायर पीपल मोटिवेट पीपल या कन्विंस करना कि आप यहाँ पे भी आ सकते हैं देयर इज अ लॉट टू सी हियर तो उस हवाले से आप जिस तरीके से डील करते हैं इंटरनेशनली व्हाट डू यू थिंक आप किन एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं जिससे हमारी टूरिज्म जो है वो बेहतर हो और रेवेन्यू आए हमारी कंट्री में देखिए स्टेबिलिटी कंट्री में political stability economic stability or obviously peace those are the major things hum in teenon mein lack kar rahe hain theek hai jab tak ye cheeze hamari country mein behtar nahi hongi tourist attraction jo hai na wo bahut kam rahegi people used to come abhi pichle dino kuch riders bike riders main khud mila hu unse ya individually ko travel kar rahe hain but jaise ek groups aate hain countries mein travel karte hain उस सूरत में हमें मे बी थोड़ा टाइम लगे इवन ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज दे जस्ट रिफ्यूज योर वीज़ा बाय सेइंग कि आपके इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री के दोज आर नॉट स्टेबल सो ऑस्ट्रेलिया विल अट्रैक्ट यू इवन इफ यू आर मीन बिलियनियर्स आप मे बी आपका प्लान बदल जाए और वहीं पे रुक जाए सो इस वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है सो हमें अपने मुल्क में हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे जो बड़े हैं उनको इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि वी आर वेरी रिच
इन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे ग्रीनरीज, हमारे ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, दोज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल. कहीं पे कंपैरिजन हम किसी भी कंट्री के साथ करें तो हम कम्पीट कर सकते हैं, बट विद द फैसिलिटीज और स्टेबिलिटी के साथ. एब्सोल्युटली द राइट वे टू एक्चुअली इवन प्रमोट दैट. बिल्कुल. एंड कमिंग बैक टू द ऑरा हीलिंग, तो इजाज़ साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब हम ऑरा हीलिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं. बेसिकली आप हमारे व्यूअर्स को पहले तो ये क्लैरिफाई कर दें दैट व्हाट इज ऑरा और इसकी हीलिंग किस तरह से मुमकिन है और इसके इंसानी जिंदगी पर क्या असरात हैं. देखें, ऑरा पहले जब हम बात करते थे तो लोग स्पेशली जो लोग मगरब से कोई खबर आती है तो उसको ज़्यादा उनको फैसिनेट करती है. मैं इस पे 22 साल से काम कर रहा था, मैं उनको बता रहा था कि ऑरा इज़ योर विंग्स, फ्लाई हाई विद इट. या आप रेंगेंगे या आप उड़ेंगे अगर आपका ऑरा ठीक नहीं हुआ. ऑरा है क्या इसको, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी, यहाँ पर भी, जो नए वेवर्स हैं वो उनके लिए. आपकी बॉडी के अंदर चैनलाइज सिस्टम है सात, जिसको जापानीज ची कहते हैं, संस्कृत में उसको चक्रास कहते हैं, हम मुसलमान उसको लताइफ कहते हैं, इंग्लिश लोग उनको एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं. अच्छा, सब लोग इस पे मुत्तफिक हैं कि आपकी एनर्जी वहाँ से क्रिएट होती है. वो सात एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ की पैटर्न को सेट करती है, आपके लिए हेल्प करती है, चाहे उसमें फाइनेंस हो, चाहे उसमें मैनेजमेंट हो, चाहे उसमें मोहब्बत हो, चाहे उसमें बोलने की ताकत हो, चाहे उसको समझने की ताकत हो, चाहे वो डिवाइन कनेक्शन हो, वो सब आपके स्पाइन के जरिए वो एनर्जी जाती है और स्पाइन फिर उसको ऑरा की शेप में कन्वर्ट करके आपके इर्द गिर्द एक शीट बना लेता है. अगर आपको ईविल आइडेंटिटी हो जाए, जो कि बड़ी नॉर्मल चीज़ है, नज़र लगनी, हमारे सही बुखारी में देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, हमारी 80% प्रॉब्लम्स जो है ना वो ईविल आइडेंटिटी से होती है. वो उस पर भी हम बात कभी करेंगे. आपका ऑरा तब ख़राब होता है या आपकी एनर्जी आपकी बॉडी से ड्रेन तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटीनेस की तरफ चले जाए, जब ग्रेटिट्यूड से दूर हो जाए. बिल्कुल. तो जब आपका ऑरा ख़त्म होता है तो आपके एनर्जी चैनल की जो तमाम एनर्जी है वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है. ड्रेन हो जाती है जी, वो ड्रेन होती है आपके. देखिए, जो चीज़ आप यूनिवर्स को देंगी ना, न्यूरोपाथ बनेगा, वही आपके पास वापस आएगा. अगर आपकी फाइनेंस की एनर्जी ड्रेन हो गई, आप जितना मर्जी मेहनत कर लें, आप जितनी मर्जी इधर उधर हाथ पैर लें, वो एनर्जी जा ही नहीं रही. अल्लाह ताला ने हर चीज का ना बड़ा एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया हुआ है. हम समझते हैं कि सारा कुछ ये मिथ है ना. आप अगर हम ये मिथ से निकलेंगे तो ये बड़ी ईजी है चीजें, अपनी फाइनेंस ठीक करना, अपनी स्किन ठीक करना, अपने बोलने की सलाहियत चले करना. बिल्कुल जी. तो ये इट्स ऑल अबाउट द ऑरा. और एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट जो आपने बताया कि आप जो भी अपने सराउंडिंग को दे रहे हैं वही वापस आएगा. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. लेकिन इसी हवाले से एक तहकीक है, उसके बारे में आपको हम बताते चलें कि किसी के बारे में भी ये अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. लेकिन सामने वाले शख्स के सच्चे या झूठे होने का किस तरह से पता लगाया जा सकता है, उस हवाले से हम आपको बताते हैं. बिल्कुल. अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंसान अंदाजा लगा सकता है कि अगला इंसान जो है झूठ बोल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां अगर गुफ्तगू में कोई बेचैनी है, कोई घबराहट महसूस हो रही हो आपको अगले बंदे के हवाले से, तो आपको ये अंदाजा होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं. या फिर बहुत सी ऐसी तहकीकात हैं जिनमें अगर आप छुपा रहे हैं, आप अगर नजर नहीं मिला रहे, एक कहते हैं ना आई कॉन्टैक्ट होना बड़ा जरूरी है व्हेन देयर इज एक्चुअल रियलिटी टू इट, तो काफी सारी ऐसी चीजें जिससे आपको पता लग सकता है. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नर्वसनेस है और जब आपसे कोई बात पूछी जाए तो आप मद्दे मुकाबले के सामने कुछ देर सोच में पड़ जाए और बहुत ही आराम आराम से बोले, अपने होंठों को दांतों में दबा लें और बहुत सी ऐसी आपकी बॉडी लैंग्वेज या बालों में हाथ फेरना या फिर इस तरीके से एक बॉडी लैंग्वेज जो है ना आपकी वो चेंज हो जाती है. बिल्कुल. लेकिन एजाज साहब आप हमें ये बताएं, जहां पर हम इतनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों की बातें कर रहे हैं, हम किस तरह से अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, बिकॉज मायूसी भी जिंदगी का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन आते हैं लाइफ में. हम किस तरह से अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी से लड़कर अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं. एक चीज हमें करनी चाहिए, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कुन तो सब कुछ हो गया. उस वक्त तो कोई चीज नहीं थी. आगा करीम नूर बना, आगा करीम बने, फरिश्ते बने, दुनिया बनी, कायनात बनी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी इंसान के अंदर. तो जब इंसान भी कहेगा ना यकीन के साथ के कुन, तो हो जाएगा. अल्लाह ताला ने फरमाया इसके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. इस पे आपको अल्लाह ताला पे यकीन वो होना चाहिए. देखें,
हमारे उस्ताद कहते होते हैं कि अल्लाह ताला को अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो आसानी नहीं पैदा होगी, अगर अल्लाह ताला को अगर आप ज़िंदगी में दाखिल कर लेते हैं तो हर चीज़ खूबसूरत हो जाएगी। आपकी मायूसी, आपकी डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी टूल्स हैं कि आपसे वो काम कराएं जो आपको कराना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम दें, मगर उसको लेके हमने एक्सेस बैगेज लेके चलना नहीं है आपने। जो अगर आप मायूस होते हैं या डिप्रेस होते हैं, सबसे पहले आपके करीबी लोग भागते हैं आपसे। कौन इंसान नाराज होना चाहता, कौन इंसान जख्मी होना चाहता आपकी एनर्जी से? ठीक है, आप खुश है ना? देखिए, खुशी किसी पैसे से नहीं आ रही, ये जिंदगी हमने गुजारनी है बड़ी खूबसूरत, इसका हर लम्हा गोल है, आपने हर लम्हे को जीना है। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी है, अल्लाह है, अगर आपके ऊपर खुशी है, अल्लाह है ना। या चिड़ियों को देखे, सुबह कितनी चहचहाती है, उनके पास कुछ भी नहीं होता मगर उनको पता है कि अल्लाह है। हमने अल्लाह को नौजु बिल्लाह स्टपनी की तरह गाड़ी में रखा होता, जब जरूरत होती है उनको निकालते नहीं। तो अल्लाह मुसलसल है। अल्लाह अगर आपके अंदर है और आपका कनेक्शन 24 घंटे है, आपको कोई इज़्तिराब, कोई नाराजगी कोई होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आपको आएगी। देखिए, जिंदगी का ऐसा दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे और ये पैटर्न, मगर आपको अगर आपके अंदर कोई एंजाइटी, कुछ यहाँ पे जो ऑरा की बात करते हैं, जिनका ऑरा डैमेज होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बड़ी अजीब सी इंफॉर्मेशन है। आप किसी चीज़ के लिए बच्चे या बच्चियाँ, स्पेशली मैं तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या जो भी उनको बताता हूँ कि आपके अंदर अपनी बड़ी ताकत है, आप चीज़ों को ऐसे घंटों में ठीक कर सकते हैं, आप चीज़ों को हील करें, वो आपके पास वापस आएंगी। जब आप उनको वो इन्फॉर्मेशन दें जो नई जनरेशन को कन्फ्यूज़ कर देगी, देखें आप उनको बिल्कुल पढ़ाएं भी, लिखाएं भी, समझाएं भी, मगर सबसे पहले आपका जो काम है वो कनेक्शन विद अल्लाह है। आप जब अल्लाह से कनेक्ट होते हैं ना, स्पिरिचुअली भी, देखिए आप अल्लाह ताला की जात से, या दो तो है नहीं, दूसरे के पास चले जाए, एक है और वो बड़ा मेहरबान है। आप यकीन करें, जैसे जैसे आपका जहन खुलता है ना, तब आपको आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की समझ आनी शुरू होती है कि या अल्लाह, तो उसके बाद फिर आपकी परेशानी या इज़्तिराब रह नहीं जाता। जो सेल्फ पीटी पे होते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं वाई मी, जो अपनी हर खामी या हर कुताई की जिम्मेदार किसी और पे डालते हैं ना, और जो हर हमेशा कुटते हैं, वो उनका ओरा हमेशा जो है ना वो कमज़ोर ही रहेगा, वो डैमेज ही रहेगा, वो बीमार भी रहेंगे। और अब मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ओरा इज़ योर मेन इम्यून सिस्टम। ओरा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी तमाम चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, आपके आसाब स्ट्रॉन्ग हैं, आपके फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हैं, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हैं। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि ऑरा की ही सारी बात है, इट डिपेंड्स हाउ यू आर फीलिंग। और वो उन्होंने बात की ना कि ना उम्मीदी जो है वो तो खुदा को भी नहीं पसंद है, तो ना उम्मीदी तो रखनी ही नहीं चाहिए, देयर शुड ऑलवेज बी दैट फेथ एंड दैट होप इन लाइफ। और जब हम बात करते हैं मिस्टर शाहिद अबाउट माइग्रेशन, पाकिस्तानियों के हवाले से अगर आपकी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की बात की जाए, आप कौन सी कंट्रीज हैं जो कि अभी एट दिस पॉइंट जो पाकिस्तानी इसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है पाकिस्तानियों के लिए इजी है, वो कौन से ऐसे मुल्क होंगे? थैंक यू। कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो हमेशा से ही प्रोमिनेंट रही है, बिकॉज उनका जितना एरिया है कंट्री का, दे नीड पॉपुलेशन, सो उनका हर साल का कोटा होता है, 3 ईयर्स का कोटा होता है, उसमें उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, स्किल्ड, एक्चुअली दे वॉन्ट यंग पीपल एंड द स्किल्ड, पढ़े लिखे लोग हों। ठीक है, अभी रिसेंटली 31 मई को उन्होंने एक टारगेटेड ऑक्यूपेशन लिस्ट अनाउंस की है, जिसमें हेल्थ केयर जो है वो सबसे पहले प्रोमिनेंट है, इसमें डॉक्टर्स, जो फिजियोथेरापिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, और फार्मेसी से या पैरामेडिक जितना भी स्टाफ है, इवन नर्सिस हैं, दे आर प्रोमिनेंट। उसके बाद IT एंड इंजीनियरिंग उसको लेके आए हैं, इसके बाद कुछ ट्रांसपोर्टेशन के ऑक्यूपेशंस हैं, और इसके अलावा कुछ ट्रेड कैटेगरीज भी हैं। सो होता क्या है कि किसी भी कंट्री जो इमिग्रेशन, जैसे ऑस्ट्रेलिया प्रोमिनेंट है, ये दो, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ आर एक्सेप्टिंग पीपल बिकॉज दे नीड टेक्निकल ट्रेंड पीपल। ठीक है, ऑब्वियसली दे वॉन्ट टू ग्रो देयर पॉपुलेशन एज वेल, तो इनके जो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपकी एज के पॉइंट्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के पॉइंट हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी के पॉइंट हैं, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट हैं। सो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो होता है ना, फिक्टिशियस फेक न्यूज़ जैसे प्रोपेगेंडा होता है ना, अभी पिछले दिनों एक बड़े चैनल के ऊपर आया कि यूके ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बिलीव करें, सुबह से लेके शाम तक लोगों का ऐसे रश लगा होता है जैसे टिकटें लगी हुई हैं फ्री। सो
there is nothing behind that. That is a work permit stream. They need people actually in specific occupations, specific fields. So, और उसके अलावा यहाँ पे हर YouTube चैनल पे उठ के अब कनाडा जाना बहुत आसान, अब ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत आसान, वो पूरे पूरे डेमोज दिए जाते हैं, टोटली फेक है. देखें, जब तक उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के टूल्स अवेलेबल हैं, वी आर प्रोवाइडिंग आर कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट. हम इनिशियल असेसमेंट जो लोग पैसे लेके देते हैं और अब बाद में आपको पता चलता है कि यार वी वर नॉट एलिजिबल, हम वो डे फर्स्ट से प्रोवाइड कर देते हैं कि आइदर यू कैन गो और नॉट, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल. ठीक है, सो बेसिक चीजें अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आईएलटीएस नहीं कर सकते हैं, आपकी एज का लेवल वो नहीं है, देयर आर सर्टेन अदर प्रोग्राम्स, बट इवन देन यू हैव टू क्वालिफाई फॉर दोज प्रोग्राम्स. पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, या आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आप कुछ बाय कर सकते हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सो देन देयर आर ऑप्शंस. अगर आपको कहता है किसी चीज की जरूरत नहीं है, ओपन वर्क परमिट आजकल बहुत ज्यादा, कनाडा का विजिट वीजा लगवाएं और कनाडा जाके सेट हो जाएं, ये सबसे रॉन्ग मिथ है. विजिट वीजा पे आप अगर एंटर होते हैं कनाडा में तो आपको वहां से जॉब लेना है. जॉब ऐसा नहीं कि कोई भी आपको कह दे जी मैंने आपको जॉब दे दी. यू नीड अ प्रॉपर अप्रूव्ड जो LMIA है, ESDC एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट कनाडा से वो अप्रूव होती है. सो वहां का लोकल एम्प्लॉयर इतनी आसानी से वो नहीं निकलवा सकता. सो व्हाई ही विल चूज यू, उसमें फिर ये एजेंट्स में फंसते हैं, फिर लाखों रुपया लगाते हैं, इवन देन दे कैन नॉट रीच टू द माइग्रेशन. नहीं मिस्टर शाहिद, इसमें स्कैम्स भी बहुत हैं. बहुत सारे लोग आपसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ले लेते हैं, पर उनकी वहां पे जो कंपनीज है वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती. ऐसे ही है, ऐसे भी बहुत, बिल्कुल ऐसे ही. लेकिन वही ना, कॉमन सेंस थोड़ी सी इंसान को यूज करनी चाहिए, एंड एक दो मशवरे ले लेना वो ज्यादा बेहतर होता है. आप उसको चेक कर लें, उसके बाद जो है वो आप कंटिन्यू करें. बट पाकिस्तान से यूथ अभी डिसअपॉइंट बहुत ज्यादा है, इवन बिजनेसमैन बहुत डिसअपॉइंट है, किसी भी स्ट्रीम का बंदा है दे आर डिसअपॉइंटेड. बट प्रॉब्लम फिर अगेन है कि हमें अपने, जब तक हालात ठीक नहीं होंगे हम अपनी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करेंगे. एवरीवन वांट टू लुक फॉर बेटर फ्यूचर फॉर देयर फैमिली, सो दे हैव अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर. इवन अगर वो कोई लो जॉब भी करते हैं तो दे कैन अर्न अ लॉट, दे कैन मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर फैमिली, उसमें अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं वो. सो थिंग्स गो, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन स्पेसिफिक कनाडा ऑस्ट्रेलिया, They both countries accepting skilled people, but on specific terms and conditions. Right, and you need to be very wise जब भी आप इस बारे में सोच रहे हैं. और जहाँ हम बात कर रहे हैं कि मुल्क की स्टेबिलिटी की बात की जाए या फिर बजट्स की बात की जाए, उसी के हवाले से नए माली साल के वफाकी बजट में हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के दावे कर रही है, लेकिन अवाम इस हवाले में क्या कहती है और उनकी क्या राय है, इसी के हवाले से हमारे पास मौजूद है हमारी नुमाइंदा मीरब ज़ीशान. जी मीरब. जी हिबा एंड अबीरा, मैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ और जैसा कि आप जानती हैं कि अगले चंद ही घंटों में जो है वो बजट का भी ऐलान हो जाएगा. इस हवाले से आवाम काफ़ी मायूस है. उनका कहना है कि उनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, उनकी तनख्वाहों में कोई तब्दीली नहीं है, तो बजट में क्या तब्दीली आएगी. मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, बताइए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि बजट में बजट आने वाला है, इसके अंदर आपको लगता है कि कोई तब्दीली आएगी, और अगर आएगी तो कितनी आ सकती है तब्दीली? है जो इलेक्शन का टाइम आने वाला है, थोड़ी सी आर्जी तौर पे अगर थोड़ा रिलीफ देंगे, उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी वो वही उसी लेवल पे, बल्कि उससे ऊपर लेके जाएगी, प्लस पॉइंट पे लेके जाएगी. यानी कि एक मिसाल के अपने वोटिंग के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, अगर वो आर्जी तौर पर कोई चीज़ सस्ती भी कर देती है तो इलेक्शन के बाद उनको पता लग जाएगा 5 साल के लिए हम पक्के हैं, तो उन्होंने डबल रेट करके आपको सारी कसर निकाल देनी है उन्होंने. आप एज अ खरीदार आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आपको लगता है कि इतनी जो है वो कमी आनी चाहिए, जरूरी जो भी घर की जरूरी अशिया होती हैं उनके अंदर? कमी वाली बात यहाँ पे देख लें, बात यह है कि हर बंदे की आमदन उतनी है. यानी एक आदमी कम से कम 1000 रुपया कमाता है तो 1000 ही कमा रहा है, वो खुश तो होता है 1000 कमा के, मगर जब वो घर का सौदा सल्फ लेके जाता है घर पे, तो मेरे ख्याल से वो 200-300 क्रेडिट करके जाता है स्टोर वाले से. जी जैसा उन्होंने बताया, इनका कहना ये है कि जो ज़रूरी अशिया हैं, जो घर में एक रोज़ी रोटी की जो है, वो कम से कम उनके अंदर थोड़ा रिलीफ मिल जाना चाहिए. बाकी जहाँ तक बात है पेट्रोल की, गैस की, उसके अंदर तो कमी पेशी आती रहती है, लेकिन जो शख्स की कमाई ही मुनासिब है वो घरेलू अशिया में क्या खर्च करेगा. जी थैंक यू मीरा.
और जिस तरह से नया माली साल है और इसका जो वफाकी बजट है वो आने वाला है, इस वक्त तो आवाम बहुत ही मायूस लग रही है, लेकिन हम सिर्फ अच्छे की उम्मीद ही रख सकते हैं. एंड व्हाट वी कैन से अबाउट इट, बिकॉज जैसे हालात जा रहे हैं, जिस तरह से डॉलर की प्राइस है, पाकिस्तानी रुपी जिस तरह से डी वैल्यू हो चुका है, उसके हवाले से अगर हम देखें तो डेफिनेटली आवाम तो सही ही कह रही है, लेकिन लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. उसी से आपकी एक इमोशनली मेंटली एक बहुत ज्यादा परेशानी है, बट वी कैन होप कि इंशाल्लाह जो है बेहतरी आएगी और पब्लिक के लिए बेहतरी आएगी. बिल्कुल ऐसे ही है. एजाज साहब, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर भी कोई औरा कुछ कर सकता है? कोई औरा ऐसा है जो पाकिस्तान का जो वफाकी बजट आने वाला है नए साल का उसको हील कर दे? देखिए जी, उसकी हीलिंग तो हम दुआएं कर सकते हैं. कुछ हीलिंग्स ऐसी होती है जिनके लिए सिर्फ दुआई होती है. लेकिन जहाँ पर हम औरा की बात मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे आपने नजरे बद की बात की, नजर लग जाती है, ये बरहक है, जिस तरह से हमारे दीन में भी है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है और उसकी क्या अलामत है जिससे हमें पता चले कि हाँ किसी इंसान को नजर लग गई है? देखिये, नजर है क्या ये, हमने इसको बड़ा एक बड़ा कोई बहुत बड़ा डायलेमा बना दिया या कोई बड़ी खतरनाक किस्म की कोई ऐसी कोई चीज़. नज़र पहले समझ लें है क्या. मिसाल के तौर पे आपके पास कोलीग्स होते हैं, आपको लोग बड़ी इज्जत देते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे शफकत करते हैं, तो वो आपकी तरह बनना चाहते हैं. एक वक्त आता है वो आपकी तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जब वो नहीं कर पाते तो वो हसद पहले पैदा होता है, फिर उसके बाद बुग़्ज़ पैदा होता है, उसके बाद कीना पैदा होता है. तो ये सब केमिकल्स हैं. जब ये जनरेट होते हैं और वो आपको गुस्से में या उनको कोई शिद्दत से आपको देखेंगे ना, तो आपकी नज़र से, अपनी आंख से जो कुछ भी वो केमिकल जो उन्होंने जनरेट किया वो आपके ऊपर थ्रो कर देंगे. यहाँ पे भी ओरा आ जाता है. अगर आपके सात लेयर होते हैं ना ओरा के, अगर वो कमज़ोर है तो डायरेक्टली आपके कोई उस पर सात रंग है, हर रंग किसी एक ताकत को या एक किसी एक चीज़ को यकास रिफ्लेक्ट करता है. तो अगर आप उसमें फाइनेंस का निकल गया, उड़ गया, आपकी स्किन का हो गया, आपका जिनको नज़र लगती है उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो वो बड़े थके थके लेथार्जिक रहते हैं, दूसरी असर और मगरब के दरमियान वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं. अच्छा, ख्वातीन की अलग होती है मर्दों की, इसमें उनके ख्वातीन के तो बाल गिरते हैं, बारह कह चुके हैं, बाल गिरते हैं, उनकी स्किन एजिंग की तरह चली जाती है, वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है, उनको रोना ज़्यादा आता है. दूसरी बात है कि लोग वो जितनी मर्जी बेचारियाँ मेहनत कर लें, ख्वातीन यहाँ पर तो मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारी जो बहनें या बेटियाँ हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया चेंज हो रही है. तो हमने अपनी बेटियों को भी चेंज करना, अपनी बहनों को भी चेंज करना. तो कहीं ना कहीं लोग उनके साथ ना एजिंग होना, वो एजिंग होना शुरू हो जाते हैं. मर्दों का ये होता है कि उनके फाइनेंस रुक जाते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से मैने शुरू हो जाते हैं, उनकी नींद में बड़ा मसला होता है, उनके दोस्तों के साथ, करीबी लोगों के साथ उनका तवाज़ुन, उनकी दोस्ती का ख़राब होना शुरू हो जाता है. तो जैसे जैसे आपका ऑरा रिपेयर होता है, देखिए ब्रोकन ऑरा आप जो भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आप बनाते हैं वो ड्रेन हो रही है, आपकी बॉडी को मिल ही नहीं रही ना आप उग रही. तो जैसे जैसे हील होता है आपका ऑरा और जैसे जैसे उसकी तमाम वो सिम्टम ठीक होती हैं, तो आप लाइफ के उस पैटर्न में वापस आ जाते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे कि आपको मिले. अच्छा, मिस्टर एजाज, आपने अभी मेंशन किया कि सर्टेन कलर्स होते हैं, सेवन कलर्स की एक रेंज है जो कि डिफाइन करते हैं. इस तरह अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कोई नई चीज़ लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ तो कहते हैं वो काला धागा बांध लें या ये कलर है जिससे नज़र नहीं लगती या कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं, तो क्या ये एक्चुअल इसमें कोई ट्रूथ है या फिर एक मिथ्स बने हुए हैं कि सर्टेन कलर पहनने से तो ये हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाएंगे, इज इट ट्रू? देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मेरे बड़े फ्रिक्वेंटली इन मुल्कों में मेरे लेक्चर्स होते हैं, मेरे मैं जाता हूँ. जो चीज़ जो सिस्टम यहाँ पे है ना वो दुनिया में कहीं और पे नहीं है. ये काले बनाई हुई चीज़ें हाँ, मगर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए. अच्छा, जिनको नज़र लगती है या जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी डंप हो गई होती है वो काले कपड़े बड़े शौक से पहनते हैं, क्योंकि काले कपड़े में ये होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है. और ख़ासकर ख्वातीन में ये आपके तवस्सुत से हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें सुन रही हैं कि मगरिब के बाद आपने कोशिश करनी है कि काले कपड़ों से इज्तनाब करें, क्योंकि हर कलर की आपके क्रोमोसोम्स हर कलर की एनर्जी लेते हैं. रेड की अलग एनर्जी है, ग्रीन की अलग है, और जो जो चाहती हैं कि वो थोड़ा सा ब्राइट हों, जो चाहती हैं कि लोग, तो वो ब्राइट कलर पहने. सर्दियों में चाहे ना मुश्किल हो तो लाइट ब्राउन पहन लें, कुछ और पहन लें, पर्पल बहुत अच्छा कलर है ख्वातीन के लिए अगर उसकी इंटेक कर लें, मगर ब्लैक कलर से मेरा ख्याल है उनको, क्योंकि वो ब्लैक कलर में समझती हैं कि वो ना स्लिम लगती हैं आजकल के. अच्छा, आप स्लिम लगने के चक्कर में अपनी जो ना पूरे के पूरे नेगेटिव हो जाएंगे.
तो आप उसको पहन ले, कोई बात नहीं। हाँ, अगर उन्हें वो ब्लैक कलर का पहनना ही पहनना है तो उनके साथ कोई रेड का इंटेक जरूर होना चाहिए, ताकि आपके आप जब सोए भी होते हैं ना तो आपकी बॉडी के क्रोमोसोम्स कलर की एनर्जी अब्सॉर्ब करें। नाइट सूट तो ब्लैक हो ही ना, वो बिल्कुल ना हो, ताकि आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब ना हो। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी तो नहीं होगी, नेगेटिव एनर्जी अल्लाह ताला रहम करे हर जगह होती भी नहीं। हमने तो मगर ये कि आपने देखिए आपका ऑरा स्ट्रांग है ना, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप नेगेटिव एनर्जी, आप सबसे बड़ी बात है कि आपका ऑरा स्ट्रांग है, आप लोगों को मिल रहे हैं, वो आपकी आपके पेनियल ग्लैंड सिस्टम में इस वक्त हम बैठे हुए हैं ना, हमारा एक जाहिरी शख्सियत है, हमारी जो पर्सनालिटी है, एक हमारी बातन है, तो मेरे बातन में जो भी चल रहा है वो आपके बातन उसको रिकॉर्ड कर रहा है, अंदर आपको आ रहा है कि ये बंदा सच बोल रहा है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा, आपको पता चल जाता है। कभी कभी कोई बुजुर्ग, कोई खातून बूढ़ी या कोई भी बैठा होता है, आपका बड़ा दिल करता है इसके पास जाने को, उससे बात करने को। कुछ लोग आते हैं वो आपके लिए बजाहिर बड़े हेल्पिंग होते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपके पास आपके अंदर इलाम कुछ लोग उस रिकॉर्डिंग तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचते, मगर वो हर इंसान के अंदर सिस्टम तो अल्लाह ने दिया हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप जिस तरह आप डिस्कवरी की बात कर रहे हैं ना, आपका मेरा अल्लाह ताला ने ये कायनात ही डिस्कवर करने के लिए बनाई है, आपके लिए और आपके लिए बनाई है। आपका ना सिर्फ एक शहर है, ना आपका सिर्फ एक घर है, ये पूरी कायनात आपकी है, और आपके अंदर जो डोपामिन रिलीज होता है आपके माइंड में, वो डिस्कवरी से ही होता है। चाहे आप किसी आप जब जाते हैं कोई रिश्ता देखने के लिए, खातून देखने के लिए, तो आप डिस्कवरी करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है या आपको बुरा लगता है, आप कहते नहीं भाई बहुत, मतलब हम अपने पॉइंट्स चूज कर रहे होते हैं, उन्हीं को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जो जो आप जैसे जैसे आप डिस्कवर करते हैं ना, उतना आपको जिंदगी माहौल चीजें अच्छी लगती है, डाटा आ रहा है ना आपके पास, तो डिस्कवरी बहुत जरूरी है। चाहे वो आपके चैनल की, ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे अपने टॉपिक से हट के भी एक बात करूं, यकीन करें मैं दुनिया में कई जगह जाता हूं, ऐसे लोग, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं, कर्ज़ ऐसे लोग, ऐसे मौसम, ऐसे साइट सीन, ऐसे दरिया, ऐसे ऐसी नदियां, ऐसे पहाड़ कहीं नहीं है दुनिया में। सिर्फ जैसे शायद भाई ने फरमाया कि हम थोड़े से पॉलिटिकल चीजें ठीक कर लें, बाकी उनको फैसिलिटीज, क्योंकि वहाँ पे आते हैं उनको बड़ा, वो बड़े फ्रेजाइल लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं सिस्टम में, तो बहुत अब इसको हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं। मैं तो अक्सर उनको कहता हूँ कि जी अगर आपने दुनिया में इंजॉय करना है किसी मुल्क में और हॉस्पिटैलिटी इंजॉय करनी है, तो वो पाकिस्तान जाए। बड़ी कैप्टिवेटिंग वे में मिस्टर जाज ने सारी चीजें एक्सप्लेन किया, एंड इट्स सो ट्रू, एनर्जी नेवर लाइज, आपको एक वाइब आ जाती है, एंड इट्स ऑन यू कि आप कितने अवेयर हैं, कितने कॉन्शियस हैं, और एक वो चीज बहुत जरूरी है बिल्कुल, और अपनी गट फीलिंग को ना कभी भी आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आपको पता चल रहा है कि ये बंदा नहीं ठीक, तो नहीं ठीक, बाद में आपको शायद आपकी अम्मी बता देंगी ठीक नहीं था। लेकिन मिस्टर शाहिद, जब हम बात करते हैं वापस, हम इमिग्रेशन के ही हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अभी हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मौके मौजूद हैं इंटरनेशनली भी, वो मौजूद हैं उन बच्चों के लिए जो स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, या फिर जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है कि वो वहाँ किसी जॉब या वर्क परमिट पर जा सकते हैं। लेकिन जब हम स्किल्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो एजुकेशन अभी भी अलग है और स्किल्स अलग हैं। तो ऐसे लोग जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है बट दे आर स्किल्ड, उस हवाले से किन मुल्कों में जाना हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएँ बेहतर रहेगा? स्किल्स पाकिस्तान में जो स्किल सेट है ना, अब देखिए कनाडा में मेरी परसों रात बात हो रही थी, ट्रक ड्राइवर्स को वो मेन स्ट्रीम में लेके आ गए हैं, ट्रक ड्राइवर्स को। सो मेरा क्वेश्चन था कि यार ट्रक ड्राइवर आयल्स कैसे करेगा, उसकी एजुकेशन कैसे इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको फेडरल स्किल वर्कर्स में लेके आए। तो वो कह रहे कि यहाँ कनाडा में तो कोई ऐसा, आपकी एजुकेशन वट एवर यू आर, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, यू कैन बी अ ट्रक ड्राइवर। बिल्कुल, पर वो कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से पे करेगा, वो भी तो एक चीज़ है। ऑब्वियसली मैं एक बता रहा हूँ इस सेगमेंट का कि हम स्किल को समझते हैं कि उसके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन स्किल्स उसके पास है। बाहर ये है कि एजुकेशन वहाँ पे तो फ्रीक्वेंटली लोग अपना ऑक्यूपेशन चेंज करते हैं, मीन जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, या जिस जॉब में वहाँ पे प्लम्बिंग ले लें, इलेक्ट्रिशियन ले लें, ये लाइसेंस्ड ऑक्यूपेशन है। व्हाटएवर द क्वालिफिकेशन यू हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट बिफोर वर्किंग।
ठीक है, इसी तरीके से ट्रक का लाइसेंस लेना या इन शोबे में, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपके पास सर्टन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, आपकी एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, ये चीजें होंगी, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। लेकिन अगर हम वैसे इन ऑक्यूपेशंस की बात करें जिनके पास एजुकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है, सो फिर हमारे गल्फ कंट्रीज ही उसमें रह जाते हैं, जिसमें वहां पे कंस्ट्रक्शन लेबर वगैरह की जरूरत है, या दूसरे ड्राइवर्स, या अब उबर वगैरह की, या कोई ऐसी चीजें जो डिलीवरी के लिए वीजाज आ रहे हैं। सो इफ समवन इज थिंकिंग अबाउट यूरोप, Canada, Australia or UK, they must be well educated, unki communication skills honi chahiye, without that they are unable to get any migration. So this is clear. Ek aur mein abhi bahut zyada market mein done base ke upar bahut cheeze chal rahi hain, Canada ka visa pata nahi kitne lakh mein, pata nahi kitne lakh mein, dekhiye ye totally fake जो लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉल आती है जी पूरी फैमिली का 10 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में डन पे वीजा लगवाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एम्बेसी को अपने सर्टन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वीजा ग्रांट करना होता है। विजिट वीजा, स्टूडेंट वीजा एंड वर्क वीजा आर द टेम्पररी रेजिडेंस वीजाज, और टेम्पररी रेजिडेंस वीजा में आपको अपनी टाइज पाकिस्तान के साथ प्रूव करनी है कि आप वापस आएंगे उस सर्टन, चाहे आप स्टडी पे जा रहे हैं, दैट इज फॉर सर्टन पीरियड, आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर, या सर्टन पीरियड, आप विजिट वीजे पे जा रहे हैं, आप बिजनेस विजिट पे जा रहे हैं, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो देर इज अ टाइम यू हैव टू कम बैक। सो अंटिल अनलेस यू कैन नॉट प्रूफ योर टाइज विद द कंट्री, आपको वीजा नहीं मिलता। सो व्हाट पीपल डू, वो फिक्टिशियस आपका पीछे रिकॉर्ड बनाते हैं, आप अनएजुकेटेड हैं या आपका कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई बाहर कॉन्फ्रेंस हो रही है डॉक्टर्स की, कोई इंजीनियर्स की, कोई लॉयर्स की, तो वो फैक्टिशियस आपके फेक डॉक्यूमेंटेशन बना के आपको लॉयर या डॉक्टर या इंजीनियर रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद आपका टोटल करियर स्पॉइल हो जाता है। यू कैन नॉट गो विद द सेम एम्बेसी विद योर ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स। So, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है आपके गलत इंफॉर्मेशन देने की वजह से आप दोबारा बैन हो सकते हैं या आप अपने ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स के साथ नहीं जा सकते। सो दैट मस्ट बी क्लियर कि हर बंदा अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर वीजा अप्लाई करे। अगर नहीं भी लगता तो कम अज कम देयर श्योर कि मैंने जो दिया है वो फैक्ट बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी रिसर्च पूरी करें एंड देन क्रेडिबिलिटी को जरूर देखें आप जिसके थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और जहां पर हम ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं वहां पर हम एक छोटा सा स्विच लेना चाहेंगे और आपको बताते चलें कि नसीर अब्बासी बुनियादी मरकज़ सेहत मकामी अफराद की अपनी मदद आपकी रोशन मिसाल बन गया है। इसी हवाले से देखते हैं नसीर अब्बासी की ये खसूसी रिपोर्ट। एबटाबाद और मलका कोहसार मरी के संगम पर वाके दूर अफ्तादा गांव सुमा कड़ाका चीड़गरी में डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम पहाड़ों का सफर के एंकर पर्सन नसीर अब्बासी के नाम पर 2016 में कायम करदा मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर एक रोशन मिसाल बन चुका है, जिसे 2019 में सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया ने सिविल डिस्पेंसरी का दर्जा दे दिया था। अब यहाँ माँ और बच्चे की बुनियादी तिब्बी सहूलियात के साथ साथ दीगर मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। यूं 10,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल सुमा कड़ागह के देही इलाके के मकीनों को यहां से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर अपने इलाज और बुनियादी तिब्बी सहूलियात के हुसूल के लिए इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ता। नसीर अब्बासी अस्पताल में अब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम से हफ्ते में 2 दिन सीनियर डॉक्टर्स यहाँ आकर लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं। इस अस्पताल को मजीद अपग्रेड करने और वसत देने के लिए नसीर अब्बासी, उनके दोस्तों और इलाके के मकामी अफराद ने न सिर्फ 5 कैनाल की अराजी इस हॉस्पिटल के नाम वक्फ की है, बल्कि अस्पताल के लिए जरूरी इक्विपमेंट भी खरीद कर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले किया है, ताकि एबटाबाद हेल्थ डिपार्टमेंट इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम कर सके। इस अस्पताल को नसीर अब्बासी और मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत कायम किया और फिर इसके इंतजामात गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिए। ये इस बात को सबूत है कि अगर शहरी अपनी मदद आप के तहत इंसानियत की खदमत का बीड़ा उठा लें तो अल्लाह ताला की तरफ से भी बरकत शामिल हाल हो जाती है।
इसकी एक मिसाल ये भी है कि पिछले दिनों हिलाल अहमद इस्लामाबाद की जानिब से नसीर अब्बासी के हमरा अस्पताल को बुनियादी तिब्बी आलात और अद्वियात फराहम की गई। अब इस अस्पताल में आने वाले मरीजों का न सिर्फ माहिर और मुस्तनद डॉक्टर्स चेकअप करते हैं बल्कि इन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी जाती हैं। अस्पताल में एक्सरे, खवातीन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात भी दस्तयाब हैं। ये जो हम नसीर अब्बासी MCHC सेंटर में मौजूद हैं, इसका बुनियादी मकसद कायम करने का यही था कि जो दूर दराज का और मुश्किल तरीन इलाका है, अगर आपने बाहर भी देखा होगा कि काफ़ी पथरीला और पहाड़ी इलाका है, तो आम सहूलियात से तमाम ये जो हमारी फीमेल पेशेंट्स थी, ये उन रसाई की कमी की वजह से ये कायम किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस टाइम तक जो है हमारे पास यहाँ एक मेडिकल टेक्नीशियन है, एज अ डॉक्टर मैं भी यहाँ आता हूँ और हमारी जो OPD है वो 30-35 नॉर्मली चली जाती है और बाज़ अगर ज़्यादा हो तो 40-45 प्लस भी हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी गायनी का हमारा एक रूम मुकम्मल तौर पे हम लोगों ने तैयार कर लिया है और बहुत जल्द गायनेकोलॉजिस्ट भी यहाँ जो है। एक इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट थी और अगर देखा जाए तो इसके पीछे एक बहुत अच्छा कॉज है अबीरा, एंड दैट्स समथिंग आई थिंक हम सब के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़िंदगी में आपने सिर्फ ज़िंदगी गुजार के नहीं चले जाना, आपने गिव बैक करना है सोसाइटी में। और अगर इस फैसिलिटी के हवाले से देखा जाए, ये हेल्थ के हवाले से जो वहाँ के लोकल्स हैं, स्पेशली जिस एरिया में उन्होंने ये चीज़ खोली है, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ रहेगी लोकल्स के लिए। एंड वही बात है ना, आप दुआएँ लेके जाओगे। बिल्कुल, और इसी हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा नसीम अब्बासी साहब हमारे पहाड़ों के सफर, नसीर अब्बासी साहब हमारे पहाड़ों का शो, पहाड़ों के सफर शो के होस्ट भी हैं और डिस्कवर पाकिस्तान इस बात पर बहुत फख्र रखता है कि इसके तमाम होस्ट ना सिर्फ आपको पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा रहे हैं बल्कि अपना भी एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बड़ी अच्छी बात है। एंड नाउ दैट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर शो, बट जस्ट बिफोर दैट मिस्टर एजाज, एक एंड नोट आप हमारे व्यूअर्स के लिए दे दें, जस्ट हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड यू नो स्टे अवे from that negative vibe. देखें, आपकी चीजें बड़ी आसान है, अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा और आप पिकनिक पे आए हुए हैं, ठीक है? आप पिकनिक में सारी चीजें घर से नहीं लेके आते आप, जो चीज है उसको भी एंजॉय करते हैं, जो चीज नहीं है उसको भी एंजॉय करते हैं। आप दो चीजें कर लें, एक ग्रेटिट्यूड द वे माय अल्लाह वांट, और एक आप सबर, वो तीसरी चीज नहीं है। आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी जैसे आप चाहते हैं, उससे गुमान बेहतर कर ले। लोगों से देखें कोई नेगेटिव नहीं होता, आपके अंदर कमियां कोताहियां होती हैं, आप उनको रास्ता देते हैं। आप हर चीज़ पे जो है उस पर शुक्र अदा करें और जो चीज़ नहीं है उस पर सब्र करें और इस पूरी दुनिया में वो बांटें जो आपको चाहिए, कि अब आपको वापस चाहिए, जो आप देंगे आपके पास वापस आएगा। आज से आप कंफर्ट बांटना शुरू कर दें, आपको वापस आना शुरू। बिल्कुल, तो बात हुई गुमान की और मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल, आप खैर बांटें आपको खैर ही मिलेगा। और मिस्टर शाहिद, आपका क्या शॉर्ट एंड क्विक एंड नोट होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं एजाज साहब की बात से मुतफिक हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा अपना बता दूं कि मैं पॉजिटिव उसमें साइकोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी रिसर्च है और लाइफ कोच भी हूं जी मैं। तो जो ये एजाज साहब बता रहे हैं ना, मैं प्रैक्टिस करता हूं। बहुत अच्छी, ठीक है, बेहतरीन। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा गुमान है ना उससे बढ़ के आता है, ठीक है। So, कोई भी बंदा मैं तो परेशानी के ऊपर, किसी बात के ऊपर परेशान या कोई आने वाली कोई टेंशन के ऊपर, सो मुझे मेरे हल्का बाब में कहते हैं कि ये टेंशन नहीं लेता। सो मेरा सिंपल ये है कि अगर तो उस टेंशन का हल है, ठीक है, तो फिर मुझे तो टाइम है मेरे पास, निकल आएगा। अगर उस टेंशन का हल ही नहीं है तो मेरी टेंशन लेने का क्या फायदा। सो मैंने डॉक्टर साहब 90% वो जो टेंशन होती है ना, वो दो कदम चलने के ऊपर ही ऑटोमेटिक या तो सोल्यूशन आ चुका होता है या वो सॉल्व हो चुकी होती है, या वो गुमान ही होता है नेगेटिव के ऊपर आप टेंशन लेके, वो असल में टेंशन होती नहीं है। बहुत बेहतरीन बात की, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आएगा। यूथ के लिए भी यही है, डिसअपॉइंटमेंट, देखिए सब आजकल की जरूरत, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। हमें ये देखना है कि आगे वाला बंदा, आपका इख्तलाफ उससे
हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी है, लेकिन आप और उनकी सोच में फर्क है. ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है. आई थिंक उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा. जाते जाते मैं आपको, देखिए अल्लाह ने लवेबल्स बनाए हुए हैं. अल्लाह ने लवेबल, ये एक सेकंड की बात सुन ले, और अल्लाह ने लवेबल बनाया है आका करीम की शक्ल में. जो जो उनको फॉलो करता जाएगा ना, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो हिंदू हो, जो आका करीम की लेगेसी को, वो अल्लाह के लिए भी लवेबल होता जाएगा और पूरी दुनिया के लिए भी. क्या ही बात की है, ब्यूटिफुली सेड. आप दोनों की एक एनर्जी है ना, कहते हैं एनर्जी नेवर लाइज, आप दोनों की तरफ से एक वो पॉजिटिव वाइब. जिस तरीके से आपने एक लेसन दिया है, इट्स वेरी नाइस कि नो डाउट हर चीज जो है आपकी नीयत पर डिपेंड करती है, और आपका गुमान अच्छा हो, आपकी पॉजिटिव अप्रोच हो, एवरीथिंग विल बी ग्रेट. एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे. बिल्कुल ऐसे ही, और हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों गेस्ट को सलाम पेश करते हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं. यस एब्सोल्युटली. और आज हमने बड़े अच्छे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन की, अदब हो गया, लिटरेचर, एंड देन ऑब्वियसली अभी जब हमने ऑरा हीलिंग की बात की. एंड आई होप यू गाइस हैव लर्न समथिंग एज वेल फ्रॉम टुडे. बिल्कुल ऐसे ही है, और उम्मीद है आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा. हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ विद सम न्यू गेस्ट एंड सेम एनर्जी. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बी काइंड एंड खुदा हाफिज.